Okay, ان شاء الله <applause> شكرا ان شاء الله <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن سنته الى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وطمن بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح سورة البقرة آية نمبر 243 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون यहां से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या तुमने नहीं देखा है उन लोगों की तरफ जो मौत से डर कर अपने घरों से निकले और वो हजारों की तादाद में थे फिर फरमाया अल्लाह ताला ने उनको कि मर जाओ फिर उनको जिंदा फरमा दिया बेशक अल्लाह जरूर फजल करने वाला है लोगों पर लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते हैं यहाँ पे ये एक वाक्य का जिक्र है कि और ये क्यों अल्लाह तला हमें ये आयत बता रहे हैं जहाज पे निकलने की दी जा रही है जहाज पे ना जाने की वजह मोस्ट ऑफ है कि हम मर ना जाए जहाज पे जाने से इसके अलावा किसी की समझ में आती है बेशक आपके पास माल हो माल ना हो जिसके पास माल नहीं है तो भी अगर जहाज पे जाने का हुक्म आता है तो वो तो मजबूरी है नहीं नहीं, नहीं लेकिन अगर माँ बाप की जो माँ बाप को तो हाँ उनके तो लुकाफटर करना है बच्चों को तो लुकाफटर करना है किसी के पास छोड़ के नहीं जा सकते ये तो ये तो मजबूरी है कि इंसान नहीं जा सकता इसके अलावा ही होता है ना कि जान का ही हमें डर है ऐसा ना हो कि ऐसे हो जाए तो अल्लाह ताला यहां हमें तरगीब देते हैं और वो बता रहे हैं कि देखो मौत के डर से वो नहीं निकलते और हजारों की ताद यानी जो मौत के डर से अपने घरों से निकले उनके खौफ था कि वो निकल रहे हैं और वो मर जाएंगे हजारों की तादाद में थे लेकिन फिर भी बगैर उसके भी अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी थी क्या हुआ था कि पे वबा, वबा फैली उस इलाके में एक वबा फैली और उसकी वजह से वो वहां से निकले तो यहाँ पे ये यह जंग की वजह से नहीं निकले थे वबा की वजह से निकले थे अपनी जगह से यहाँ पे अगर हम देखें जिस तरह अभी हमने एक्सपीरियंस किया कोरोना का तो हम नहीं जाते थे उस जगह पे जहाँ पे कोरोना ज्यादा है बंद हो जाता था लिटरली जिसका मंचस्टर का एरिया था उन्होंने बिल्कुल वहां मना कर दिया था ना कोई आएगा ना कोई जाएगा वहां से तो, तो शहरों को, को भी किया हुआ था एग्जैक्टली exactly, अगर पता चल जाए तो पेनल्टी है तो इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन लोगों ने मौत का क्योंकि वबा फैली थी उसके डर से वो लोग बाहर आ बाहर आए लेकिन सबके ऊपर अल्लाह ने मौत तारी कर दी थी फिर हजरत हज का कह, कहा जाता है हजरत हजकील का गुजर हुआ वहां से और उन्होंने दुआ की कि इनको जिंदा कर दे और ऐसा हुआ भी तो यह बनी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी इबरत थी देखने की कि तुम जिस मौत से डर के भाग रहे थे उसी मौत को अल्लाह ताला ने तुम्हें वहां घेर लिया फिर अल्लाह ने उनको कहा कि मोहतू मर जाओ और फिर उनको दोबारा जिंदा किया अक्सर लोग इस बात का शुक्र अदा नहीं करते हैं वक़ातलू फी सबीलिल्लाह और इस वाक्य से हमें यह भी पता चल सकता है कि आ, भाग के मौत से इंसान कहीं जा नहीं सकता हम पर पढ़, पढ़, आगे पढ़ेंगे कि अगर किले में भी हो मजबूत किले में भी हो तो मौत आपको आकर रहती है मौत की डर की वजह से ना तो घरों में बैठो और ना घरों से निकलो <coughs> वकूफी सभी वमो उसके बाद अल्लाह ने फौरन बताया डरो सॉरी लड़ो अल्लाह की राह में जान लो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है

मेरे लिए अल्लाह कहता है कि मेरे लिए अल्लाह की राह में खर्च करो तो अल्लाह उसको किसी ना किसी तरह वापस जरूर कर देगा क्या नहीं? लगा हुआ तो है शायद नहीं ऑन तो है ऑन है लेकिन आज हल्का क्यों है ये अस्सलाम वालेकुम असला वरम ये आपका रिकॉर्डिंग पे भी है आज आज रिकॉर्डिंग पे है जी अच्छा अच्छा मैंने कहा शायद रोटी से है नहीं आज रिकॉर्डिंग पे है आपको इस पे ऑब्जेक्शन है नहीं नहीं वैसे मैंने कहा शायद अच्छा, कोई गलती हो गई नहीं नहीं आज रिकॉर्डिंग पे है जजाक अल्लाह खैर आस्किंग आयत नंबर 245 अल्लाह पूछते हैं कि कौन है जो उनको अल्लाह की रजा के लिए सबका खैरात करे आ, इसमें अल्लाह ताला अपनी रजा के लिए तरगीब दे रहे हैं खर्च करने के लिए अगली आयत है अलम मूसा। क्या तुमने नहीं देखा बनी इसराइल की एक जमात का किस्सा तुम्हें मालूम नहीं है जो मूसा के बाद पेश आया जब उन्होंने अपने नबी से अर्ज किया कि मुकर करें हमारे लिए एक बादशाह तब ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें उन्होंने फरमाया क्या ऐसा होगा कि अगर तुम पर कताल फर्ज किया गया है तो तुम कताल ना करोगे यानी अगर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जिहाद को फर्ज कर दे और फिर जब फर्ज हो गया उसके बाद तुम नहीं करोगे तो वो कहने लगे हमें क्या हुआ है कि हम अल्लाह की राह में कताल ना करेंगे हालांकि हमें तो घरों से निकाल दिया गया था अपने बेटों के पास से निकाला गया था फिर जब उन पर किताल फर्ज किया गया तो बहुत से थोड़े थे उनके अलावा सब लोग फिर गए अल्लाह जालिमों को खूब जानने वाला है इसाहियत में कहा जाता है कि यूशा बिन नून की क्यादत में बनी इसराइल ने जंग की थी यहूद के बड़े बड़े लोग दावे करते थे लेकिन अमल करने के वक्त वो फुस हो जाते थे जैसे कि अब हम अपने आप को भी देखते हैं हम कहते हैं हम अल्लाह के बड़े हम अल्लाह के लिए काम करते हैं लेकिन जब सुन्नत पे अमल करने का वक्त आता है जब नमाजें पढ़ने का वक्त आता है मुश्किल औकात में जब सुबह की नमाज नींद आ रही होती है और पढ़ने के लिए तो हमारे दावे कहाँ चले जाते हैं जब हम एनर्जेटिक होते हैं पूरे आ, इस्लाम के अंदर हम सोच रहे होते हैं कि हाँ हम ये करेंगे ये करेंगे जब तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं लेकिन जरा सी मुश्किल आती है या कोई मामला घर में भी मुश्किल का हो जाता है तो हमारी नमाजें सबसे पहले इफेक्टेड होती हैं हालांकि नमाज ऐसी चीज है जो किसी भी हालत में कभी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए तो बिल्कुल उसी तरह अगेन ये स्टोरीज ये सारे किससे जो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं इसका मकसद हमें अपना आईना दिखाना है कि हम क्या करने वाले हैं हमारा भी ये हाल ना हो कि हम दावे तो करें और उस पर अमल ना करें तो वो कहते हैं कि अल्लाह उन्होंने कहा कि हम मूसा सॉरी मैं नंबर आयत नंबर 246 कि एक बादशाह हमारे लिए मुकर कर दें जो हमसे जिहाद करे तो उस पर अल्लाह तला ने फरमाया सॉरी उस बादशाह ने कहा कि क्या अगर तुम्हारे ऊपर जिहाद के ताल को फर्ज कर दिया जाए तो तुम ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि तुम भाग जाओगे उन्होंने कहा हमारे ऊपर तो मुश्किलें आई थी हम क्यों भागेंगे ऐसे क्यों करेंगे ऐसे लेकिन जब वक्त आया था तो सवाई चंद के बहुत थोड़े थे जिन्होंने उनके साथ लड़ाई की थी

उनके नबी ने कहा कि बेशक अल्लाह ने उनके उप, उनको तुम पर हुक्मरानी के लिए मुंतखब फरमाया है उनको इल्म में भी और जिसम में फराखी अता फरमाई है और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे अल्लाह वसत वाला और इल्म वाला है इससे क्या पता चलता है हमें कि बादशाह के लिए होना जरूरी है जिसके पास हमत हो जिसके पास इल्म हो और जिसके पास ताकतवर जो ताकत में भी ज्यादा हो माल जरूरी चीज नहीं होती है माल तो आनी जानी चीज है अपने इंसान हिकमत से माल को भी हासिल कर लेता है और कहा उनसे उनके नबीने के बेशक उनके हुक्मरान होने की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबुते सकीना तुम्हारे रब की तरफ से आ जाएगा जिसके अंदर कुछ बची हुई चीजें हैं उनमें से जिन्हें छोड़ा था आले मूसा और आले हारून ने जिसको फरिश्ते लाएंगे बेशक इसमें जरूर निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान वाले हो गए भी कहा जाता है कि जब यानी बादशाह के लिए उन्होंने ऑब्जेक्शन की थी तो ये जो ताबूत सकीना जो कि पहले कभी गुम गया था ये उनकी हुक्मरानी में तुम्हारे पास वापस आ जाएगा ये एक पेशन गई उन्होंने नहीं की थी और ये ऐसा हुआ भी कि फरिश्ते उसको जिसको देख देखा भी नहीं चाहता एक छेले के ऊपर उठाए हुए उसको लेकर आ रहे हैं तो जिसके अंदर चीजें ये लिखा हुआ है ना हम वो वो वही कहते हैं कि जो यहूदी उसी की तो निकालने के चक्कर में उसी के चक्कर में तो हैं कि वो आ, म, ये जो हमारी मस्जिद है मस्जिद अक्सा उसमे खोल उसको कब्जे में करने के लिए लिएकरों के, के साथ रवाना हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला तुमको एक लश्कर के साथ एक नहर के साथ आजमाने वाला है तो जिसने उसमें से पानी पी लिया वो मुझसे नहीं है यानी वो फिर उसका तल्लु मेरी जमात से नहीं है और जिसने उससे ना पिया तो वो मुझ में से है सवाए उस शख्स के जिसने अपने हाथ से एक चुल्लू पी लिया फिर थोड़े से अफराद के अलावा सब ने उसमें से पानी पी लिया फिर वो आगे जब बढ़े वो लोग उनके साथ जो लोग ईमान लाए थे वो कहने लगे आज हमें जालूत और उसके लश्करों से लड़ने की ताकत नहीं है जो लोग अल्लाह की मुलाकात का यकीन रखते थे वो कहने लगे इतनी ही कम तादाद जमातें अल्लाह के हुक्म से भारी तादाद वाली जमातों पर गालिब हो चुकी हैं और अल्लाह सबर करने वालों के साथ है इसमें हमें क्या मिलता है क्या पता चलता है कि जब वो आगे बढ़े अब उनके साथ लश्कर रवाना हुआ जंग करने के लिए और उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि एक नहर आएगी जिसमें से इंसान को तो प्यास लगती ही है एक नहर आएगी तो उसमें से भर भर के पानी मत पीना जितना है बस थोड़ा सा जितना के जरूरत है उतना बहुत ज्यादा पेट ना भरना और अगर तुमने पानी पी लिया उसमें से बहुत ज्यादा तो फिर तुम मेरे साथ नहीं जा सकोगे या मेरे साथ लड़ ना सकोगे या मेरी जमात में शामिल ना हो सकोगे थोड़े से लोगों ने बस पानी पिया इसके थोड़े से लोगों ने थोड़ा पानी पिया बहुत सारे लोगों ने भर भर के पानी पिया तो लाजमी बात है फिर उनकी वो हिम्मत जो पहले ही पेशन गोई हो चुकी है वो हिम्मत उनकी नहीं रही जब वो आगे बढ़े हैं चल चले और उन्होंने जाके लश्कर देखा है वो लश्कर बहुत ज्यादा बड़ा था और देख के उन्होंने कहा यानी जो उनके साथ के सारे साथी थे उन लोगों ने कहा कि आज हम इस लश्कर से ताकत नहीं रखते कि हम उनसे लड़ सकें लेकिन जो यकीन रखने वाले थे अल्लाह पर उन्होंने याद दहानी दिलवाई कि नहीं कितनी ही दफा ऐसा हो चुका है कि छोटी जमात जो अल्लाह पर यकीन रखती है वो बड़ी जमात पर भारी हो जाती है इसकी वजह से फिर जब उनकी लड़ाई हुई थी और हमें मालूम है तालूद और जालूद का जो किस्सा आता है उसमें हजरत दाउद में आए थे जो कि आगे आएगा कि उन्होंने उनको कत्ल कर दिया था और वो जमात उस जमात के ऊपर था वम्बा बराजना अफ्रा सबरमिल काफरी बेहतरीन दुआ है सारी कुरान की रबना की जो दुआएं हैं वो हमें याद करनी चाहिए और ये भी उनमें से एक है जब ये लोग जालूद और उसके लश्करों के सामने के लिए निकले यानी लड़ाई के लिए निकले तो अर्ज किया ए हमारे रब हम पर सबर डाल दे और हमें साबित कदम रख और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा सो <सवाँगा> तो उनको शिक्ष दे दी अल्लाह के हुक्म से और कतल किया दाऊद ने जालूद को और अल्लाह ने उनको मुल्क दे दिया और हिकमत अता फरमाई और उनको जो कुछ चाह इल्म दे दिया अगर ना होता अल्लाह का दफा फरमाना लोगों को बाज को बाज़ के जरिए तो जमान जमीन में फसाद हो जाता लेकिन अल्लाह जहान वालों पर फजल फरमाने वाला है ये भी हमें मालूम है कि क्या स्टोरी हुई थी कि जालूत और तालूत का जब लश्कर आमने सामने हुआ है और जैसे हमें पता कि तालूत के लोगों ने कहा कहना शुरू किया कि हम इसका इसने बड़े लश्कर का नहीं आ, मुकाबला कर सकते इन द मीन टाइम हजरत दाऊद जो कि अभी लड़कपन की उम्र में थे वो कहीं अपने उसको लेके को लेके वहां पर आए वहां से गुजर हुआ उनका और उन्होंने देखा कि ये पूरा का पूरा एक जर्रा बख्तर पहनी हुई है और सिर्फ उसकी एक आंख खुली हुई है और कहा जाता है कि हजरत दाऊद ने एक निशाना लगाया गुलेल के जरिए और वो पत्थर उनकी आंख में जाके लगा जो उनके सर से पार हुआ तो उसकी वजह से उसकी मौत हुई जब ये देखा जब हजरत आलुद ने दाऊद अलैहिस्सलाम का ये कारनामा देखा तो हजरत दाऊद को उन्होंने अपनी सल्तनत में जगह भी दी बादशाह भी बने फिर उनके बेटी की शादी भी हुई और ये सब कुछ आगे चल के हुआ था आयातुल्ला नतलूहा अली कबील हक ये अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें हम आप पर तलावत करते हैं मुरसलीन सलीम शुबा आप पैगम्बरों में से यानी ए नबी आप पैगम्बरों में ही से हैं और ये बार बार अल्लाह ताला बताते हैं अल्लाह नबी सल्ला वल्म को क्योंकि नबी सल वसम घबरा जाते थे कभी कभी हर इंसान घबरा जाता है जब दुश्मनों की बातें और ताने सुनता है तो अल्लाह ताला हमेशा उनको कंसोल करते रहते थे कि आप बेशक नबियों में से ही हैं आपको ये आयतें आप वहाँ मौजूद नहीं थे हम बता रहे हैं और ये किससे उनकी किताबों में मौजूद थे तो ऐसे कैसे हो सकता है जबकि एक एक शख्स जो पढ़ा लिखा भी नहीं है उसको बताया जा रहा है उसको कहाँ से खबरें मिल रही हैं तो बेशक आप मुरसलीन में से हैं इन वाकयात से इन वाकयात से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी किसी भी जमात के ऊपर गलबा पाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है क्या अल्लाह पे भरोसा दूसरा फिजिकल स्ट्रेंथ यस और हेकमत के साथ और लीडर की बात मानना लीडर जो हो लीडर जो कहे उसकी बात मानना मुनजम होना एक कु्वत बन के हमला करना एक कु्वत बन के काम करना अलग 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 हम काम करते हैं वो इतना अच्छा नहीं होता है जब हम मिल के काम करते हैं तो हमारी कम्युनिटी भी ग्रो होती है तो हमें तीन चीजों की जरूरत होती है लीडर की अतात करना मुनजम होना और साबित कदम रहना और अल्लाह तला से दुआ करते रहना इस जंग में तकरीबन इन लोगों के सत्तर हजार का लश्कर था और तालूत अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ उनके साथ भी बहुत सारे थे लेकिन सिर्फ तीन सौ तेरह का लश्कर था जिसने पानी नहीं पिया था और ये थे जिन्होंने गलबा पाया और ये वही हमें नंबर मिलता है जो बदर में हमें मिला ऑफ़ तो कोर्स तो तो नहीं नाम है एग्जैक्ट नाम है सना तूवा की कुरान करीसलात तालूत तो जालूत थे जो काफिर थे जो उनके खिलाफ थे तालूत अलैहिस्सलाम तो फिर नबी होंगे या जी दाऊद अलैहिस्सलाम की जी जी हाँ उस उस लिहाज से मुसलमान है अल्लाह की अल्लाह की, अल्ला की, अल्ला की शरीयत पर काम करने वाले थे तो 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 को जी नाम अफकोर्स तो मुसलमान थे इब्राहिम के बारे में क्या है वो मां मिनल नशरकी वो मुशरों में से नहीं थे और वो हनीफन इब्राहिम के लिए वर्ड यूज हुआ हनीफा कि वो और फिर एक वो पूरी की पूरी एक शख्स वो पूरी की पूरी कौम की तरह थे तो जो अल्लाह की शरीयत पे चलेगा वो मुसलमान है मुसलमान क्यों हमें टाइटल दिया गया मुसलमान का मतलब इस्लाम फर्म दिखे दिखे exactly, दिखे दिखे। फर्मा बरदारी करने वाला ठीक है ना आयत नंबर 253 तीसरा सपारा शुरू होता है तिलकर बहुमहबा बहुम तरा आतनाथ ولكن ولكن فمنهم من من ومنهم كفر ولو شاء الله الله يفعل ما يريد. फजीलत दी है इनमें बाज को बाज़ पर बाज क़लाम फ़रमाया और बाराजात के एतबार से बुलंद फरमाया हमने दिए ईसा इबन मरियम को खुले मोजात हमने उनकी तायीद की तायीद की कुदस के जरिए अगर अल्लाह चाहता तो वो लोग आपस में जंग ना करते जो उनके बाद थे और उसके बाद आए उनके पास खुले मुजजात लेकिन उन्होंने आपस में इख्तलाफ किया सो उनमें से बाज वो थे जो ईमान लाए और बाज वो थे जिन्होंने कुफर किया अगर अल्लाह चाहता तो वो आपस में जंग ना करते लेकिन अल्लाह जो चाहता है वो करता है यानी हर शख्स अपने आप के अमाल का खुद जिम्मेदार है उसको इख्तियार है कि वो कौन सा रास्ता पसंद करे अगर अल्लाह चाहता तो जबरदस्ती हर एक को एक रास्ते पर डाल देता लेकिन अल्लाह ने इख्तियार दिया है अगर अल्लाह जबरदस्ती खुद पे एक रास्ते पर डाल देता तो ये तो मजबूरी में हम काम कर रहे हैं जैसे कि फरिश्ते करते हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं है इंसान को इख्तियार दे के दो रास्ते दिखा दिए गए कि अब जो भी काम करना है वो तुमने करना है अदरवाइज अगर ये इख्तियार ना होता तो दुनिया का मकसद फौत हो चुका होता ये दुनिया इम्तहान है इसमें से खर्च करो जो हमने दिया है अल्लाह ताला बार-बार फरमाते हैं हमने दिया है खर्च कर उसमें से खर्च करो तुम्हारा इसमें कोई कमाल नहीं है कि तुम्हारे पास आज अगर दौलत है या जिसके पास नहीं है इसमें उसका खुद का कोई कमाल या खुद की कोई गलती नहीं है अगर उसके पास दौलत नहीं है और जिसके पास है तो ये उसका कोई महारत नहीं है अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो और कब खर्च करो उस दिन से पहले जबकि कोई बाई कोई शिफात कोई कुछ दोस्ती काम ना आएगी जो काफिर हैं वो जुल्म करने वाले हैं वल काफिरू ना हम काफिर कौन है अगेन जो हक को छुपाते हैं काफिरों के लिए काफिर ही जुल्म करने वाले हैं क्योंकि वो हक नहीं देते हैं अल्लाह ताला इन्फाक की बार बार तरगीब देते हैं एक दफा अबूजर का नाम तो आपने सुना ही होगा अबूजर गफारी उनके घर चोर आया और उसको कुछ मिला नहीं हालांकि वो तिजारत करते थे पता था कि ये दौलत में खेलते हैं वो तिजारत करते थे चोर आया घर में लेकिन कुछ भी नहीं पाया उसने वहां कुछ मिला ही नहीं उसको उसको इतना गुस्सा आया उनको ही उठा के पूछता है कि माल किधर है तो उन्होंने कहा कि मेरे दो घर हैं मैंने दूसरे घर में पहुंचा दिया है इस घर में कुछ नहीं रखा वो दूसरा घर कौन सा है जन्नत, जन्नत वाला घर है कि ये वो मेरा दायमी घर है ये आरजी घर है मैंने आरजी में कुछ नहीं रखा दायमी और अगर सोचा जाए किस कदर खूबसूरत बात है कि ये मेरा दायमी घर है एक मेरा दायमी है और एक मेरा आरजी घर है हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ट्रैवलिंग के दौरान कितने कितना सजा लेते हैं अपने कमरे को हाँ जो हमारे पास थोड़ा बहुत सामान होता है उसको ठीक ठाक करके हम रख लेते हैं इसके अलावा तो कुछ नहीं करते सोचने की बात है ना और जो हमारा घर है वहां जो कि हकीकत है हम सब यकीन रखते हैं उस घर के सजाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है अगली आयत इसको सैयदुल आयत में से एक आयत है सैयदुल आयत कहा जाता सैयदुल आयत कहा जाता है कुरान की सूरह बकरा की ये बहुत बड़ी और बहुत रुतबे वाली आयत है صبيكم معلومه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسِع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم बहुत बुजुर्गी वाली आयत है अल्लाह वो है अल्लाह अपना तारुफ करवाता है और ये वो आयत है इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं कोई भी सिफत इसमें अल्लाह की ऐसी नहीं है जिसमें इंसान शरीक हो अल्लाह रहमान है तो इंसान भी थोड़ा बहुत कही न कहीं ना कहीं रहीम है अल्लाह ताला मलिक है यानी बादशाह है इंसान भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसके अंदर बादशाहत का है लेकिन इन आयतों में ऐसी सिफात हैं जिसमें इंसान शरीक नहीं है अल्लाह ऐसा है कि कोई मबूद नहीं है उसके सिवा वो जिंदा है और कायम रखने वाला है उसको ना नींद आती है ना ऊंग आती है उसी के लिए है जो आसमानों और ज़मीनों में है, कौन है जो सिफारिश करेगा उसके पास मगर उसकी इजाजत के साथ वो सब कुछ जानता है जो कुछ उसके आगे और उसके पीछे है उसकी मालूमत ने हर चीज का अहाता किए हुए है मगर किसी अम्म शाह वसी सॉरी वो इहाता और वो इहाता नहीं करते उसकी मालूमें से सॉरी उसके इहाता नहीं करते मगर जिस चीज का उसने इल्म दे दिया है यानी दुनिया में लोग इंसान उसके इल्म से बस उतना ही हासिल कर सकता है जितना अल्लाह ने उसको इजाजत दी है जिसकी गुंजाइश है उसकी कुर्सी और आसमानों उसकी कुर्सी आसमानों में और जमीन में और उसे भारी नहीं है इन दोनों की हिफाजत और वो बहुत बालातर है अजमत वाला है एक हदीस में आता है कि हर नमाज के बाद हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ने वाले को मौत के अलावा कोई चीज नहीं है जो उसको जन्नत में जाने से ना रोके सॉरी रोक दे मौत में जन्नत में जाने से रोक दे मौत के अलावा तो क्या मतलब है इसका हर फर्ज की नमाज हमें पढ़ना चाहिए लाजमी पढ़नी चाहिए हर, हर फर्ज के नमाज फर्ज के बाद फर्ज नमाज के बाद फर्ज नमाज के बाद इस आयत को नम फर्ज नहीं नहीं फर्ज के बाद में पढ़ेंगे जी पहले वो जो तस्वीर फातिमा है वो पढ़ेंगे या पहले ये चाहिए नहीं तस, फातिमा जो है वो पहले नहीं पढ़े पढ़े जाएगी वो बाद में और तस्बी फातिमी के लिए भी आ, कहा जाता है कि वो रात को पढ़ना ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसकी ज्यादा रात में फजीलत आई है हर नमाज के बाद दस, दस दस दफा होता है दस दफा अल्लाह दस दफा अलहमदुल्लह एंड दस दफा अल्लाह अकबर लेकिन तस्बी फातमी ही भी पढ़ सकते हैं आप ठीक है जादू के तोड़ने के लिए भी ये आयत पढ़ सकते हैं रात को सोने से पहले हमें मालूम है कि इसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है रात को सोने से पहले अपनी हिफाजत के लिए जिस वक्त मर्जी आप इसको पढ़ लें शैतान से बचाव का हथियार है सुबह शाम की दुआओं में है अल्लाह की इन सिफात में कोई भी शरीक नहीं है अगर हम इन सिफात को बार 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 अपने पढ़ेंगे तो हमारा अल्लाह हमारे साथ होगा और अपनी सिफात में से हमें

अलग होकर जाहिर हो चुका तो जो शख्स मुनकर होता है ताहूत का वो और ईमान लाए अल्लाह पर तो बेशक उसने मजबूत हल्के को पकड़ लिया बिल और वस्का। लन लहा। अब वो टूटने वाला नहीं है बेशक अल्लाह सुनने और जानने वाला है इस आयत में अल्लाह ताला ने बताया है कि इस दीन में जबरदस्ती नहीं है हमारे यहाँ गलत कॉन्सेप्ट हो गया है कि दीन में आग के बाद हम कहते हैं अब मेरी मर्जी है मैं पढ़ू नमाज या ना पढ़ू अब मैं जक़ात दू या ना दू ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया जा रहा बताने का मकसद यह है अल्लाह ताला का कि दीन कबूल करने में तुम्हारे पर जबरदस्ती नहीं है हमने देखा है हमारी पूरी हिस्ट्री में पता चलता है कि इस्लाम जबरदस्ती किसी को भी नहीं कहा गया था इस्लामिक किंगडम किंगडम में गैर मुस्लिम रहते थे उनको दावत दी जाती थी अगर वो कबूल नहीं करते थे तो उनको जिजिया देना पड़ता था और मकसद क्या था कि वो रहेंगे उसी किंगडम में जब वो मिलेंगे जुलेंगे लोगों से इस्लाम से तो फिर इस्लाम से मरऊब होकर वो इस्लाम की दावत को भी कबूल कर लेंगे ये नहीं था कि नहीं तुमने अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना ही पड़ेगा नहीं लेकिन जब इंसान ने एक कलमा पढ़ लिया और हम तौर पर भी कलमा पढ़ते हैं हर रोज दिन में पांच दफा हम अल्लाह अकबर कहते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है जब हम कहते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है तो इसका क्या मतलब है कि मैं छोटी हूँ अल्लाह के सामने कोई चीज उससे बड़ी नहीं है अल्लाह अकबर और बल्कि बाजू का कहा जाता है कि जब हम हाथ उठाते हैं अपने अल्लाह अकबर तो हम हर चीज को हर सोच को हर पहलू से हम हर चीज को अपने पीछे डालते हैं पसे पुछ डालते हैं और आगे हमारा अल्लाह होता है ये है हमारी नमाज की तालीम अल्लाह अकबर yes? तो जब अल्लाह हमने इस कलमे को पढ़ लिया हमने इस मजबूत हलके को पकड़ लिया अब अल्लाह कहते हैं कि फिर ये टूटने वाला नहीं है जब तुम दीन में दाखिल हो चुके हो तो फिर इसको मजबूती से पकड़ लो और जिसने पकड़ लिया फिर वो टूट नहीं सकता अल्लाह <coughs> अल्लाह अल्ला कौन है अल्लाह तो वो है जो मददगार है उन लोगों का जो ईमान लाते हैं और उनको अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लेकर आता है जिन लोगों ने कुफर इख्तियार किया है उनके अवलिया उनके वली शैतान हैं और शैतान उनको निकालता है नूर से अंधेरों की तरफ ये लोग दो जख वाले हैं और उसमें हमेशा रहेंगे यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ताहूत, गुमराह करने वाले ताहूत का क्या मतलब होता है हर वो चीज जो डिस्ट्रैक्ट करे वो तावत है चाहे वो आपके अल्लाह ना करे किसी के माँ बाप ताबूत में शामिल हों लेकिन अगर वो माँ बाप भी हैं तो वो ताबूती कहलाते हैं उनकी औलाद सोसाइटी पैसा फेम हर वो चीज़ जो जो अल्लाह की हदूद से तजावज करे उसको ताहूत कहते हैं जो आपको आपकी अल्लाह की बंदगी से रोके उसको ताहूत कहते हैं सबसे बड़ा ताहूत हमारा खुद अपना नफ्स है फिर आती हैं दूसरी चीजें हैं नफ्स है औलाद है आप, आपके रस्म व रिवाज हैं आपके खानदान वाले हैं सब कुछ इसमें दोस्त अहबाब सब कुछ इसमें शामिल हो जाता है अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ऐसा है जो तुमको अंधेरों से निकालता है और तागूत ऐसी चीज है जो आपको वापस अंधेरों में धकेलता है ये लोग हमेशा आग में रहेंगे आगे से इब्राहिम आलम का किस्सा आ रहा है अलम इब्राहिम फी हुआुल मुल्क क्या तुमने उस शख्स को देखा है जिसने इब्राहिम से हजतबाजी की थी उनको उनके रब की वजह से हजतबाजी की उनके रब के बारे में इस वजह से कि अल्लाह ने उनको हकूमत दी थी जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जो जिंदा फरमाता है और मौत देता है उसने कहा मैं भी जिंदा करता हूँ और मौत देता हूँ और यह पता है ये किस्सा किसके दरमियान था इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान में और किस तरह उसने ये प्रूफ किया कि मैं भी जिंदगी दे सकता हूँ और मौत दे सकता हूँ एक कैदी दो कैदियों को बुला के उनमें से एक को छोड़ दिया और एक को मौत दे दी तो कहा कि मैं भी कर सकता हूँ तुम्हारा रब क्या खास काम करता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि इसकी अकल इतनी छोटी है तो उन्होंने बड़े लेवल की बात की और उन्होंने कहा बिलाशुबा अल्लाह तो लाता है सूरज को मशरक से तो तुम उसको मग़रब से निकाल के ले आओ फिर वो हैरानी में पड़ गया वो शख्स जो कुफर इख्तियार किए हुए था और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता है अल्लाह ने उस शख्स के हा उस शख्स का जिक्र किया है कि वो शख्स जिसका गुजर हुआ एक बस्ती पर उस हाल में थी कि छतों पर उसकी दीवारें गिरी हुई थी ये शख्स कहने लगा यानी औंधा गिरा हुआ था उस शख्स ने देख के कहा और ये हमें पता है ये हजरत उजैर के बारे में आता है नरेशन के उनके उनके वक्त में हुआ था हजरत उजैर से पहले ही यानी अः ये वाक हो चुका था और वो बस्ती बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और उसके आसार बस पड़े हुए थे वहां पर और ये कहा जाता है कि बैतुल बैतुलमक़दस में यह वाक हुआ था लेकिन ये एक नरेशन है कोई पक्का सबूत नहीं है और ये भी कहा जाता है कि बुख नजर जो बादशाह गुजरा है ये उसने किया था तो उसका ये आगे से हजरत अः उजैराम जब आए थे उन्होंने ये देखा था खैर तो जब उनका गुजर हुआ और अगेन जिस तरह इब्राहिम सलाम ने कहा था कि या अल्लाह मुझे दिखा कैसे तू जिंदा करता है इसी तरह उन्होंने भी कहा कि कैसे हो सकता है यहाँ पे बिल्कुल ये वीरान हो चुकी है जगह यहाँ पे अब आबादी आ जाएगी कैसे हो अल्लाह ताला जिंदा करेगा अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी और सौ साल तक उनको इस हालत में रखा फिर उनको सवाल फरमाया उनको फिर उसको दोबारा से उठाया और उनसे फरमाया कि तुम कितना अरसा ठहरे रहे उन्होंने कहा एक दिन या एक दिन से भी कम फरमाया बल्कि तुम सौ साल इस हालत में रहे सो तो अपने खाने को देखो और खाने और पीने की चीजों को देखो वो गली और सड़ी नहीं यानी सौ साल से खाना पीना बिल्कुल ठीक हालत में वही रखा रहा जो अपना साथ लेकर चले थे और देखो अपने घधे को गधे को क्या हुआ था बिल्कुल वो बोसीदा हो गया था जैसे कि मर जाता है और मरने के बाद जो हालत होती है सौ साल में उस गधे की हुई ताकि हम तुम्हें निशानी बना दें लोगों के लिए और देखो हड्डियों की तरफ हम उसको कैसे जोड़ते हैं और उस पर कैसे गोश पहना देते हैं फिर जब सब कुछ जाहिर हो गया तो कहने लगा मैं जानता हूँ बेशक अल्लाह हर चीज पर आदिर है अगेन ये देखने के बाद नहीं हुआ था बल्कि हाउ अल्लाह इससे भी क्या पता चलता है एक बात ये कि मरने के बाद टाइम स्पैन की कोई वक्त नहीं है ये टाइम हमारी जिंदगी के लिए अल्लाह ने बनाया हुआ है जिसरा हमें पढ़ते हैं आगे आयतों में आएगा आगे जाके भी कि क्यामत का दिन पचास पचास साल का पचास पचास हजार साल का या एक एक हजार साल का एक एक दिन होगा इतने लंबे लंबे दिन होंगे तो वो कैसे होगा और हमने जैसे वो भी पढ़ा था कि जन्नत के दरख्त इतने होंगे कि पांच पांच सौ साल तक इंसान चलता रहेगा और उसका साया नहीं खत्म होगा तो ये सारी बातें ये ये सारा टाइम से रिलेटेड थिंग सिर्फ इस दुनिया के लिए है वह अल्ला आलम अल्लाह ताला ने अगर वहां दिखाना होगा वहां पे भी, भी दिखा देगा तो अगेन दुनिया से निकल के बातें जो भी होती हैं उसमें जाने की हमें जरूरत नहीं है और अपना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वहां का नॉलेज फर्ज करें अगर आपको मिल भी गया उससे आपको फायदा क्या होगा हमें तो फायदा कि दुनिया में रह के दुनिया की चीजों को एडॉप्ट करके दुनिया की मोहब्बतों में रह के दुनिया की चीजों को इस्तेमाल करके अल्लाह के लिए हमने आफरत की तैयारी करनी है ये हमारा काम है आयत नंबर टू हंड्रेड एंड सिक्सटी वाल इब्राहिम और रबी अली वही सवाल इब्राहिम ने किया कि कैसे तुम अल्लाह तला आप मौत कैसे आप जिंदा करते हैं मुर्दा को तो फिर अल्लाह ने फरमाया क्या तुम यकीन नहीं रखते उसने कहा क्यों नहीं बल्कि मुझे दिल का इतमान चाहिए और एक एक पॉइंट इसमें ये भी निकलता है कि जितना यकीन हमें देखने के बाद होता है अब नबियों को यकीन तो था लेकिन जो बात हमारे देख के सुनाने में होती है जितनी कन्विक्शन हमारी सुनाने में होती है देखने के बाद उसका अंदाज कहने का और वो बात कहने का जिस जो हमने देखी नहीं होती और सिर्फ सुनी हुई होती है उन दोनों में फर्क होता है अगर मैं बाहर देख कर आऊं अभी अलहदुल्ल हम सब बाहर से आए हैं कोई हमें परेशानी नजर नहीं आई कोई कुछ नहीं कोई रोड प्रॉब्लम नहीं है कोई आग नहीं लगी हुई कुछ नहीं हुआ हुआ लेकिन अगर अभी कोई शख्स आए और वो कहे कि बाहर आग लगी हुई है और हम सब कहें हम भी तो अभी आए हैं कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन वो कहे नहीं मैं अभी देख के अपनी आंखों से आ रही हूँ देन यू विल बी अलर्ट और अपने लिए इंतजाम करेंगे हमारे फोन निकल आ जाएंगे हम कुछ कुछ ना कुछ इंतजाम तैयारी तो वो कन्वेक्शन जो देख के आती है वो डिफरेंट होती है बात करने का अंदाज और क्योंकि वो लोग नबी हैं और नबियों ने दूसरे लोगों को पहुंचानी है बातों को और उनको भी इस बात का अंदाजा दिलाना है कि जो वो कह रहे हैं वो सही है तो उसके लिए ये ज़रूरी था तो उन्होंने भी यही कहा कि मेरा दिल इतमान चाहता है उसके लिए मुझे चाहिए कि अल्लाह आप मुझे दिखाएं तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है इसको तुम पकड़ लो यानी किसको पकड़ो चार परिंदों को पकड़ो और फिर उनको अपने से हिला लो यानी टेम कर लो और फिर उनके उनको जिबा करके एक एक टुकड़े को हर पहाड़ पे रख देना उनमें से फिर उनको दोबारा बुलाना वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आएंगे और जान लो कि अल्लाह ताला गिब और हमत वाला है कि अल्लाह ने अगर ये किया है ये तो पता ही है कि अल्लाह कर सकता है लेकिन अल्लाह कब कब करता है ये हमतें हैं उसकी अल्लाह अगर हमें कोई चीज नहीं दिखाता है तो वो इसलिए नहीं दिखाता है कि उसमें कोई हिकमत है या कोई दिखा देता है तो उसमें भी कोई हिकमत है आपके ख्वाब आना आपको कोई कशफ होना आपके सामने कोई चीजें रिवील हो जाना या ना होना ये सब अल्लाह के हाथ में है क्यों करता है अल्लाह इसमें सब हिकमतें हैं मसलूना आप अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज मसलीन मिसाल उन लोगों की जो अपने मालों को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ऐसी है जैसे कि एक दाना हो उससे सात बालें उग जाएं हर बाल में सौ सौदाने हों और अल्लाह उनको भी अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है वो अ, अ, बढ़ा देता है अल्लाह वसत वाला और जानने वाला है खूबसूरत मिसाल है और हमारे लिए अल्लाह तलाकरजमेंट का एक ये आयत है हम अगर सोचें पढ़ें इस पर गौर करें अल्लाह फरमाते हैं जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है हम देखते हैं हमारे पास एक दाना होता है एक दाना जमीन में लिटरली टमाटर का एक बीज हम सब ने किया हुआ है ये बच्चों के साथ टमाटर का एक बीज डाला जाता है और उससे पूरी की पूरी फसल तैयार हो सकती है पूरा पौधा निकलता है पूरा पौधा निकलने कितने टमाटर उसमें आ जाते हैं हर टमाटर में कितने सारे बीज होते हैं तो वही अल्लाह बता रहा है कि जैसे जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं अपने मालों को उनकी मिसाल एक दाने की है उससे फिर सात बालें निकलती हैं हर उस हर एक के अंदर सौ सौ दाने होते हैं इमेजिन कीजिए एक दाने से यहाँ पे अल्लाह बता रहा है सात सौ गुना और फिर उससे आगे कितना और फिर उससे आगे कितना और फिर रहती दुनिया तक उसका अजर चलता रहता है उस माल से जो जो उसने काम किया वो चलता रहता है और ये भी हमें मालूम है अल्लाह कहता है कि ये कर्ज हंसना है कि मुझे दिया है तो मैं वापस भी लौटाऊंगा अब लौटाने की सूरत मुख्तलिफ हो सकती है वो कोई भी सूरत हो सकती है अल्लाह चाहे तो आपको यहाँ की दुनिया की जिंदगी में फेम दे दे या चाहे तो दौलत ही दे दे या इज्जत दे या कुछ भी दे या नहीं तो दुनिया आखिरत के लिए अल्लाह तला ने उठा के रखा हुआ है सदका खैरात का अजर बताया जा रहा है और ये भी बताया कि दिखावे से अल्लाह तला मना करता है जो कि आगे ग, ग, अगली आयत में आ रहा है ना उनके ऊपर खौफ होगा ना उनके ऊपर कोई गम होगा इमेजन कीजिए अल्लाह हमने कितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं आखरत के दिन में क्यामत के दिन में क्या हौलनाकियाँ होंगी लेकिन अल्लाह कितनी दफा हमें ये बता चुका है ये ये काम करो अलैहिम लिम व्यान क्या हम नहीं चाहते कि हम भी अमन में रहें उस दिन फरमाते हैं अल्लाह ताला जो लोग खर्च करते हैं अल्लाह की राह में फिर ला बे वो बाद में किसी के ऊपर अपना एहसान नहीं रखते जो उन्होंने खर्च किया है ना कोई तकलीफ देते हैं अपने एहसान करने के बाद उनका अजर अल्लाह के पास है ना तो उन पर खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे अल्लाह की राह में खर्च वालों खर्च करने के बाद एहसान नहीं धरते छोटी सी मिसाल हम अपने घरों में देखते हैं अगर हम किसी को अपने फ्रेंड को या किसी को कुछ दे देते हैं और अगले दिन हम उससे अगले दिन अगले हफ्ते अगले महीने जो भी मतलब उससे लड़ाई हो जाए या उससे कोई बात हो जाए फौरन से हम उसको एहसान जता देंगे मैंने तुम्हारे साथ नहीं किया था ये भी इसमें दाखिल है एक तो हमारे पास जहनी तौर तो पे हम जैसे सोचते हैं कि हमने किसी को दिया और फिर बार बार उसको कहते हैं हमने इसको दिया था हम तो इतना खर्च कर चुके हैं हमने तो यहाँ भी दिया वहां भी कोई छोटी सी छोटी भी खाना पकाना ही है जैसे खाना पका के अगर आपने किसी को दे दिया है ये भी एक एहसान है लेकिन इसका आगे जिक्र करना इसको बताना इसको प्रमोट करना ये बिल्कुल भी जायज नहीं है किसी भी तरह से हमारी छोटी छोटी आपस में लेन देन वो कहने के बाद उसको फिर सॉरी देने के बाद उसको कहना ये उसके उसके अजर को जाया कर देता है तो अल्लाह कहते हैं जो लोग खर्च करते हैं अपने मालों को अल्लाह की राह में और फिर एहसान नहीं धरते ईजा नहीं देते हम अपने नौकरानियों को कह के उनको कुछ पैसे दे के और फिर कह देते हैं कुछ मैंने दिया नहीं था तो मैं अभी अभी तो दिया था पता नहीं इनके खर्चे ही नहीं बंद होते हम अपने अगर खर्चे देखें अल्लाह ने इतना दिया हुआ है उसके बावजूद भी हमें और की ख्वाहिश होती है तो क्या एक गरीब को ख्वाहिश नहीं होगी अल्लाह कहते हैं अगर नहीं ईजा देंगे तो उनके लिए सवाब है उनके रब के पास ना उन पर खौफ है ना रंजीदा होंगे छोटी सी बात है अगर हम यही एक पल्लू से बांध लें अल्लाह का कौल तो गलत नहीं हो सकता तो ना खौफ होगा ना गमगीन होंगे कौलु मारूफ व मकफिरतुल खैरुमिन सदात सदाक़ी अदा भली बात कहना और दरगुजर कर देना ऐसा सदका है उस यानी वो सदका बेहतर है भला कोई बात अगर आप सॉरी पूरा पढ़ते पहले मैं भली बात कह देना और दर्गुजर, दर्गुजर कर देना ऐसा सदके से बेहतर है जिसके बाद तकलीफ पहुंचाई जाए अल्लाह है, कितना है। खूबसूरत आखिर में एंडिंग है कि अल्लाह को तो गनी है तुम जो दे रहे हो अपने लिए कर रहे हो अल्लाह ने तुम्हें सबब बनाया था तुम दे सकते थे और तुम जन्नत कमा सकते थे लेकिन तुमने खुद अपने पाओ पर कुल्हाड़ी मार दी और उस सदका देने के बाद तुमने एहसान जतलाया अगर तुम सदका नहीं दे सकते कोई बात नहीं कर सकते तो फिर भली बात कह दो उनको धुतकारो नहीं उनसे सख्त रवैये से पेश मत आओ दरगुजर कर दो उनसे ये उस सदके से बेहतर है जिसके बाद तुम एहसान जतलाओ या जिसके बाद तकलीफ पहुंचाए अल्लाह तो गनी है हलीम है वो दे देगा उनको कहीं और से प्रोवाइड कर देगा हर एक का रिस्क लिखा हुआ है यादीना तब तिलु सदका कितनी सारी आयतें आ रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ सदक़ात पे यानी और खैरात करने का अजर बताती हैं ईमान वालों तुम अपने सदक़ात को एहसान जतला कर बा मत करो और तकलीफ पहुंचाकर उस शख्स की तरह जो अपना माल खर्च करता है लोगों को दिखाने के लिए और ईमान नहीं लाता अल्लाह पर और आखरत पर सो so, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई चिकना पत्थर हो जिस पर जरा सी मट्टी हो फिर पहुंच गई हो उसको जोर से बारिश सो so उसको छोड़ा बिल्कुल साफ ये लोग अपनी कमाई में किसी चीज पर कादिर ना होंगे और अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं देता बार बार जो जतलाते हैं उनकी मिसाल अल्लाह ने दी कि एक पत्थर है उस पर थोड़ी मट्टी जम गई है जब मट्टी जम जाती है तो मट्टी में ही तो बोते हैं अब उसमें उस शख्स ने कुछ बो भी दिया लेकिन जब बारिश आई तेज की बारिश आई उसने बिल्कुल उसको साफ कर दिया खत्म हो गया उसका कुछ भी वहां ना बचा उसकी मेहनतें उसके दिन रात का उसको देखना उसको सोचना सब कुछ खत्म हो गया बिल्कुल साफ होके रह गया और वो उस पर कोई कुदरत नहीं रखता तो अल्लाह कहते हैं ऐसी कमाई पर अल्लाह ताला तदिर हैं यानी या, नॉट अल्लाह ताला सॉरी ऐसी कमाई पर वो लोग कादिर नहीं है वो कमाना चाहते हैं लेकिन कुछ उससे उनको हासिल नहीं है अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं देता

जो खर्च कर रहे हैं अल्लाह की राह में अल्लाह की रजा के लिए उनकी मिसाल दी अल्लाह ने कि वो अगर कुछ बोता है बारिश की तो जरूरत हर एक को होती है पीछे वाले में केस में बारिश आई तो सब कुछ अपने साथ बहा के ले गई लेकिन यहाँ बारिश आई तो उसने दुगना फल दिया और अगर थोड़ी सी भी बारिश आई तो उससे भी उसके लिए वो काफी हो जाता है उसकी खेती के लिए तो अल्लाह ताला तो जिसको चाहता है वो ज्यादा देता है जिसको कम कर जिसको चाहता है कम देता है क्या से कोई ऐसा पसंद करता है कि उसके लिए जन्नत के बागात हों और उस ख, यानी, आ, खजूर के और आ, अंगूरों के बागात हों उसके नीचे नहरें बहती हों यानी पानी की भी कोई कमी ना हो उसमें और हर किस्म के फल हों उसके लिए लेकिन उस पर बुढ़ापा आ चुका हो तो ऐसा शख्स जो बूढ़ा हो गया हो सारी जिंदगी वो अपने खेतों में काम कर करके उसने ऐसे दरख्त बना लिए खजूरों के दर आपको पता ना एक दफा लग जाए तो फिर साल साल वो देते हैं फल देते हैं अंगूर भी ऐसे ही है एक दफा लग गया पर उसको परवान चढ़ गया उसके बाद हर साल उसमें फल आता रहेगा तो ऐसे उसके पास है बेशुमार उसमें फल आते हैं लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है और बच्चे उसके बड़े छोटे हैं उसको पता है उसको कोई निगरानी करने वाला नहीं है लेकिन अब उसको आग आ जाती है उस पर एक आग का बगोला आता है और वो जला देता है उसके बागात को क्या बचा उसके पास कुछ भी नहीं कितनी मेहनत उसने करी लेकिन उसका अब हासिल कुछ भी ना हुआ तो अल्लाह इसी तरह वाजिया करता है तुम्हारे लिए नाश निशानियों को ताकि तुम इसमें गौरव फिक्र कर सको ये आयात पढ़ के अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं सदकात का अजर एक तो एक तरफ बताया जा रहा है फिर एक तरफ दिखावे से रोका जा रहा है तकलीफ से रोका जा रहा है या अयो लदीना आमनोकोमिन तयी मा कसब तुम वा एमान वालों तुम खर्च करो पाकिजा चीजों में से जिसमें से तुम कमाते हो और जो हमने निकाला है उसमें से तुम्हारे लिए ज़मीन में से और तुम इरादा ना करो, करो खबीस का उसमें से जो तुम खर्च करते हो जबकि तुम उसको खुद लेने वाले ना हो मगर ये कि तुम उससे चशम कर जाओ और जान लो कि अल्लाह तला और हमीद है इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि जो चीजें अब खर्च तुम कर रहे हो ये भी तुम्हारी समझ में आ गई कि खर्च करना चाहिए अल्लाह के लिए खर्च करना चाहिए अब खर्च करने में कैसा खर्च करना चाहिए वो चीजें जो पाकिजा हों वो चीजें जो अल्लाह ने जमीन में से निकाली है यानी मालो दौलत भी अपनी चीजें भी उनमें से जब तुम खर्च करो तो पाकिजा चीजों का ख्याल करो अच्छी चीजों की तरफ दो जब हम चैरिटी में देने लगते हैं तो हमारे सबसे खराब कपड़े जो हम दस साल से पहन रहे होते हैं वो निकाल के देते हैं या घर की वो चीजें जो हमें अब पसंद नहीं है या दिल भर गया है तो अल्लाह फरमाते हैं यहाँ पे जब खर्च करो अनफिको मिन बात पाकिजा चीजों में से खर्च करो अला खबीस गंदी चीजों का इरादा मत करो खराब चीजों का इरादा मत करो तुम खुद उस चीजों को लेने वाले नहीं हो अ ये कि अगर ज़रूरत के वक्त तो इंसान घदे को भी बाप बना लेता है तुम्हें पहले तो कुछ ऐसी चीजें नहीं चाहिए थी लेकिन ये कि जब जरूरत होती है तो तुम चशम पोषी सिर्फ यानी मजबूर होते हो लेने के लिए तो इसी तरह दूसरा इंसान भी मजबूर है लेने के लिए तुम्हें नहीं पसंद था कि तुम्हें ऐसी चीजें कोई दी जाए तोहफे तहिफ में हम इंसानों को अच्छी चीजें ही दी जाती हैं और कभी कभी ये भी पता चल जाता है जब कोई इंसान कुछ गलत चीज तोहफे में देता है या इतनी अच्छी ना हो अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से ना हो तो भी पता चल जाता है कि इसने घर से निकाला है सामान पता चलता है ना कोई एक दूसरे को तोहफा दे तो कैसे तोहफे दिए जाते हैं वो भी पता चल जाता है अल्लाह कहता है वालमो अल्लाह ये अल्लाह तो गनी है अल्लाह हमीद है गनी है अल्लाह बेनियाज है वो खूबियों वाला है वो चाहे तो उनको भी माला माल कर दे जैसे उसने तुम्हें किया है अशैतान याहदकमुलफरा हमारे जब हम नहीं देते हैं क्या रीज़न होती है हमारा ना देने की खर्च करने की क्योंकि हमें फकीरी का डर होता है अभी मेरे पास ये माल है अगर मैंने खर्च कर दिया मैं बच्चों के लिए क्या रखूंगी अभी मेरे पास ये, ये माल है अगर मैंने खर्च कर दिया शादी में क्या खर्च करूंगी बच्चों की तालीम में कैसे होगा गो के आपको रखना चाहिए थोड़ा बहुत लेकिन उसी में से कुछ परसेंट जरूरी है कि निकालते चले जाएं वो अः वाक्य याद कीजिए जब वो जैसे जो मेंशन किया था कि आ, बादलों का एक टुकड़ा आया था बादलों में से एक शख्स ने आवाज सुनी थी आपको याद है वो वाक्य कि एक शख्स ने बादलों में से आवाज सुनी थी कि उसका नाम लेके पुकारा जा रहा था कि ए बादलों जाओ और वहां जाकर उसके जमीनों पे बरसाओ तो इस शख्स को हैरानी हुई कि सारे जहान को छोड़ के सिर्फ एक बाग के ऊपर अल्लाह ताला ने भेज दिया है वो उस बादल के टुकड़े के पीछे पीछे चला जब वो पहुंचा उस बाग के मालिक के पास और वहां पे बरसता हुआ उसने देखा और बारिश को उस बाग के मालिक से पूछा कि तुम ऐसा क्या करते हो कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने खास तौर पर ये भेजा है टुकड़ा बादलों का टुकड़ा भेजा है जो जिसने मीह बरसाया उस शख्स को नहीं मालूम उसको नहीं पता मैंने क्या अच्छा काम किया लेकिन कहता है कि मैं और तो कुछ नहीं करता लेकिन इस खेती में से तीन हिस्से डिवाइड करता हूँ एक हिस्सा मैं अपनी फैमिली के लिए रखता हूँ एक हिस्सा मैं खर्च कर देता हूँ और एक हिस्से को दोबारा बोता हूं ताकि वो अगले साल के लिए फिर तैयार हो तो इससे उलमा ने कहा है कि एटलीस्ट जो अच्छे देने वाले हैं जिससे ना आपका नुकसान हो ना और देने में भी मज़ा आए उसमें थर्टी परसेंट अपने माल का दिया कीजिए तो अगर कोई देना चाहता है कि अल्लाह की रहमतें उस पर बरसती हों तो एटलीस्ट नॉट एटलीस्ट या यूं कहें कि जिसमें खुशी आपकी भी हो और दूसरे की भी थर्टी परसेंट दे दिया करें तो जो माल आ रहा है उसमें से थर्टी परसेंट निकालें और वो दे दें हर साल में दे दें ये चैरिटी की बात हो रही है जक़त की बात नहीं जक़त तो सिर्फ फर्ज हमें पता है ढाई परसेंट ही है तो इसीलिए ये भी कहते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर अपनी आ, कमाईयों में से परसेंट निकाल के रखें जो आपने नाम किया हुआ है कि डेफिनेटली देना है अब अच्छा चाहे हालात कैसे ही हों वो जरूर देना है ये जरूर अपने हालात अपने हाथ में रखें इसका हिसाब किताब तो शैतान हमें फकीरी का तुमसे वादा करता है फकीरी का तंगदस्ती का और तुम्हें हुक्म देता है बेहयाई का ये पहले भी पढ़ चुके हैं शैतान का रोल ही क्या है सबसे पहले बेहयाई का हुक्म देना अल्लाह ताला तुमसे वादा करता है मगफिरत का अगर तुम खर्च करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे मकफिरत का वादा करता है और अपने फजल का अल्लाह ताला तुस्त वाला और जानने वाला है अल्लाह जानता है तुम क्या खर्च कर रहे हो क्या नहीं खर्च कर रहे हो करोगे तुम्हारी मर्जी है नहीं करोगे तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान है अल्लाह से तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो बहुत वसत वाला है यो तिलहता मई मई यु तलहता फकत ऊतिया खैर कसीरा अल्लाह ताला जिसको चाहता करता है और जिसको दी गई उसको बेहतरीन खैर कसीर अता किया गया वमा यद करो इन आयतों से सिर्फ अलबाब अलबाब अकल वाले ही अ, अकल वाले ही नसीहत हासिल करते हैं वमा अनफु मन्नाफत और नजर तुम मजर फ्लम और जो कुछ तुम खर्च करोगे कोई जो कुछ तुम किसी किस्म का भी खर्च करते हो या किसी तरह की नज़र मानते हो बिला अल्लाह उसको जानता है और जुलम करने वालों के लिए कोई भी मददगार नहीं है करने वाला क्यों यहाँ कह रही यहाँ तो कोई जुल्म की बात नहीं हो रही है एक सदका खैरा करने की बात हो रही है क्यों अल्लाह ते आयत को इस तरह खत्म किया कि ालिमों के लिए अनसार नहीं है जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं कोई बताएगा एक बात ये भी हो सकती है यस कि आप अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं क्यों कैसे नेकी करके जाया कर रहे हैं डेफिनेटली जुल्म हो रहा है अपनी जान पर और जुल्म करने का मतलब क्या था हक को ना अदा करना तो यहां किसकी बात हो रही है सदका करने की तो क्या मतलब हुआ कि सदका ना देना दे ना ये जुल्म है वो हक था जो आपने नहीं दिया अल्लाह ताला ने आपको माल दिया बार बार इतनी आयतें ये तो ये अभी हम सिर्फ चंद आयतें इकट्ठी पढ़ रहे हैं लेकिन ओवरऑल माशाल्लाह सब कुरान पे पढ़ने वाले हैं ओवरऑल कितनी जगह पर अल्लाह सदके का अः हुक्म देता है तो ये हक है हमारे माल में और ये हम नहीं दे रहे हैं तो अल्लाह फरमाते हैं धालमों के लिए कोई मददगार नहीं है इन तुम तो सदक़ात फन इनमा ही अगर तुम जाहिर करोगे तो ये अच्छी बात है यानी ज़ाहिर तौर पर तुम सदके दोगे तो ये अच्छी बात है और इसमें उलमा कहते हैं कि जो फर्जी सदका है यानी जक़त वो अगर दी जाए खुल कर बताकर तो ये बेहतर है व इन तू तु, हल्फ़रा फहुआ खैरकुम और अगर तुम उसको छुपाओगे और पहुंचाओगे तंग दस्तों के पास तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है वह युकफ़ फिर अनकुमिन से आते कुम क्या हम नहीं चाहते कि हमारे गुनाहों को अल्लाह बख्श दे तो फिर दीजिए सदका दीजिए अल्लाह कहते हैं वो दूर कर देगा तुमसे तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो उससे बाखबर है नहीं है आपके ऊपर इनको हिदायत देना लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है और जो कुछ तुम खर्च करोगे माल में से वो तुम्हारे अपने लिए है और ना तुम खर्च करो मगर हासिल करो अल्लाह की रजा सिर्फ हमारा मकसद अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए खर्च करना होना चाहिए व मा तुम फोन खैरिन जो कुछ तुम कर खैर खैर से मुराद यानी माल जो कुछ तुम खैर में से खर्च करोगे माल में से खर्च करोगे तुम्हें पूरा पूरा अल्लाह देगा व अन तुम लातम और तुम पर म नहीं अल्लाह तसी का हक मारने वाले नहीं है ना लुक एट द एंडिंग्स ऑफ द आयर्स के अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो भी तुम खर्च करोगे एक तो यह कि तुम्हें उसका पूरा पूरा मिलेगा जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था पूरा पूरा मिलने में अल्लाह कुछ भी कर सकता है किसी भी तरह से उसको बदल के दे सकता है और तुम्हारे ऊपर ज्यादा ना की जाएगी बिल फ़रा और सिरूफी सभी और बनफिल और दी सदक़ फ़करा के लिए हैं पीछे सारा जो मामला अल्लाह ताला बता रहे हैं किसके लिए हैं किस पे खर्च करना चाहिए फकीरों के लिए यानी जिनके पास कुछ ना हो जो अल्लाह की राह में रोक रुके हुए हैं वो जमीन में सफर नहीं कर सकते सवाल से बचने के सबब अनजान आदमी उन्हें मालदार समझता है तो पहचान लेगा तू पहचान लेगा उनको उनकी निशानियों से वो लोग लिपट कर लोगों से सवाल नहीं करते और जो भी कुछ तुम खर्च करोगे अच्छा माल में से अल्लाह उसको जानने वाला है क्या मतलब है इसका के ली ला लदी और सरूफ़ी सभी ला अल्लाह की राह में वो बंधे हुए हैं रुके हुए हैं यानी कमाने से आजिज़ हैं उनका टाइम उनका उनकी सारी कैपेसिटी उनकी सारी इस्तात वो सब की सब अल्लाह के राह में लगी हुई चाहे वो इल्म हासिल करना हो चाहे वो इल्म फैलाने में हो चाहे वो जिहाद में हो और ये कहा जाता है असहाब सुफा जैसे थे उनके लिए भी कि उन्होंने अपना सारा का सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल करने के लिए और आगे पहुंचाने के लिए दे दी अब उनके पास कुछ नहीं है कैसे वो कमाएंगे तो उनसे उनके लिए खर्च करना चाहिए उनके ऊपर देना चाहिए जो फकीर हैं जो अल्लाह की राह में रुके हुए हैं और वो जमीन में चल फिर कर, चलने फिरने की यानी कमाने की ताकत नहीं रखते हैं जाहिल लोग उनको समझते हैं कि उनके पास बहुत है हालांकि तुम उनको उनके चेहरों से उनकी निशानियों से पहचान लोगे वो लोगों से लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते हैं जो भी तुम खैर का खर्च करोगे बेशक अल्लाह ताला जानने वाला हैिया फलाम अजरद्द्दीन जो लोग खर्च करते हैं अपने मालों को रात और दिन में किसी तरह भी चाहे वो जहा दिखा कर कर रहे हैं नियत तो उसके पीछे अल्लाह की रजा होनी चाहिए ना के दिखावा चाहे वो दिखा के करते हैं या छुपा के करते हैं अल्लाह फरमाते हैं फलाम इंदौरद्दी उनका रब के पास उनका अजर है उनके ऊपर ना खौफ होगा ना ही वो गमगीन होंगे इन आयतों में हमें सदकात के लिए उभारा गया है देने के लिए उभारा गया है खैरात का अजर बताया गया है दिखावा करने से रोका गया है आयत नंबर 261 से लेकर 274 इसमें सब का सब सिर्फ सदका की बात हो रही है इतना बड़ा पैराग्राफ इतने बड़े इतनी ज्यादा आयात है ये छुपा कर देना सदका देना अफजल है ऑब्वियसली लेकिन अगर खुल कर दिया जाए नियत उसमें साफ होनी चाहिए तो वो भी जायज है और क्या बताया गया है कि उनको देना चाहिए जो खुद से नहीं मांगते हैं इंसान को ढूंढना चाहिए एहसान देकर एहसान नहीं करना है अगर ना दे सको तो फिर अगर ना दे सकें तो फिर अच्छी, अच्छी बात से उनको वापस लौटा दो किसी को दुख नहीं देना है दिखावा नहीं करना है ठीक तो है जी दे सकते हैं। आ, यानी जो ज़कात की बात नहीं ज़कात सिर्फ मुसलमान उसके अलावा दे सकते हैं आप जी लेकिन बेहतर होगा कि पहले अपने मुसलमान को देखें अनल ये कि वो आपके बाजू में रहता है हमसाया है तो हमसाया का हक ज्यादा है उससे जो आपका दूर कहीं रह रहा है जिसको आप देना चाहते हैं तो है, जी वो तो वो दूर है जी तो जो करीब वाले रहते हैं कम्युनिटी में भी देना चाहिए डेफिनेटली देना चाहिए अगेन uh, देखना हमने ये है कि यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी है और उसमें गवर्नमेंट भी हेल्प करती है खाने को रहने को थोड़ा बहुत सबको मिल ही जाता है बाज ऐसे हैं जैसे कि पिछले दिनों भी बात हो रही थी कि बाज होमलेस पीपल ऐसे हैं जो ये चूज करते हैं कि हमने रहना ही होमलेस है क्योंकि जो बेनिफिट उनको मिल रहे होते हैं आई डोंट नो कौन कैसे किस तरह के बेनिफिट मिलते हैं उनसे वो दस दस्बरदार नहीं होना चाहते तो अगर ऐसे लोग हैं जो पेशावर होमलेस हैं तो उनको ना दिया जाए लेकिन अगर आप देखते हैं यहाँ पे चाहे मुसलमान है चाहे नॉन मुस्लिम है जो वाकई गरीब और मुस्तक है तो जरूर उनकी भी मदद करनी चाहिए लेकिन हमारे मुल्कों में अगर कोई गरीब है तो उसका मददगार कोई नहीं होता है उसको खाने को फिर भी नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता तो इसलिए उनको हमारा दिल ज्यादा करता है कि हम और, और फिर ये कि वो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं अपनी एक मोहब्बत तो होती है ना लेकिन दोनों के लिए जायज है आप किसी को भी दे सकते हैं जहां आपका दिल करें खाली हाथ ना दे जी hmm. hmm. थोड़ा सा माल रख दे उसके हाथ पे तो फिर तो कहना कि भाई मेरे पास तो इस वक्त यही है अगर आपने लेना है तो ले लीजिए वरना फिर हम सॉरी और क्या कह सकते हैं ऑफ कोर्स दे सकते हैं जी।, तो जी अच्छे तरीके से उसको मना कर दें जी अगर आपको मालूम है कि वो पेशावर लोग हैं तो फिर यस उनको नहीं देना चाहिए लेकिन उलमा कहते हैं आपको क्या मालूम कौन पेशावर है कौन नहीं है तो एक दो पेंस चार पेंस डाल दें क्या होगा एग्जैक्टली exactly. हम्म अगर आपको मालूम है कि तो वो नशा करने वाला है अगर आपको पीछे क्योंकि रहते रहते एक दो बंदों का तो पता चल ही जाता है कि ये कौन है और ये कौन है तो फिर उनको बेशक आप ना दें क्योंकि हर एक को देना लाजमी तो नहीं है आपको गुनाह नहीं मिलेगा इस बात पे क्योंकि आप इसलिए रुक रहे हैं कि वो नशे की हालत में है आप इसलिए नहीं आप अल्लाह की रजा के लिए ये नहीं कह रहे कि मैंने नहीं देना मेरे पास नहीं है इसलिए नहीं रुक रहे आपका मकसद कोई और है तो नियतों को देखें और देखें हालात को कि क्या करने वाले हैं ठीक है आगे से रिबा की आयतें आ रही हैं 276 Yeah, 275 Sorry, yes, 275 الذين ياكلون الربا لا يقومون <applause> الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد का बहुत खतरनाक आयते हैं हम सब को देखने की सोचने की समझने की जरूरत है जो लोग सूद खाते हैं जो लोग सूद लेते हैं वो नहीं खड़े होंगे जी जो लोग सूद लेते हैं वो खड़े नहीं होंगे मगर ऐसे कि जैसे कि शैतान ने उसको लिपट कर पागल बना दिया हो ये इसलिए कि उन्होंने कहा बई तो सूद ही की तरह है हालांकि अल्लाह ताला ने बई को हलाल कराम करार दिया है और सूद को हराम करार दिया है जिसके पास अपने रब की तरफ से नसीहत आ गई फिर वो बाज आ गया तो उसके लिए है जो गुजर चुका और उसका मामला अल्लाह की तरफ है जो शख्स फिर दावा फिर दोबारा करे सो ये लोग दो वाले हैं और उसमें हमेशा रहेंगे सूद की हरमत का बयान है के सूद लेने वाला एक हदीस में आता है सूद लेने वाला और देने वाला गवाह बनने वाला वो सब के सब इसमें बराबर हैं। उन सब पर अल्लाह की लानत है सूद हमें सबको मालूम है सूद हराम है चाहे सूद एक पैनी का हो या दस पैनी का हो सूद सूद ही है हर हाल में सूद हराम है इसकी मिसाल अल्लाह ने दी है कि सूद वाला शख्स जो सूद लेता है वो के दिन कैसा होगा जैसे कि उसको शैतान ने हाथ लगाकर पागल कर दिया है हो शैतान और उनका कहना क्या था कि क्यों क्योंकि एक तो होता है कि आप कहिए कि सूद हराम है फिर भी आप कोई इंसान मुलवस है उसमें तो फिर माफी है तलाफी है ये अल्लाह का और उसका मामला है लेकिन अगर कहा जाए कि वह बेउ मिसल के तजारत करना उसमें भी तो हमें रिबा वो मिलता है मुनाफा मिलता है तो सूद में भी मुनाफा मिल रहा है कि ये एक ही जैसी बात है इससे मना किया अल्लाह ताला ने बे ने को तजारत करने को हलाल किया है और रिबा को हराम किया है अब जो शख्स जिसके पास अल्लाह की ये आयतें पहुंच गई हैं अब वो रुक जाए इन आयतों के बाद यानी नसीहत पकड़ ले तो फिर जो पहले हो चुका कोई बात नहीं उसका मामला अल्लाह के साथ है इस्तार करे नदामत करे लेकिन जो इन आयतों के बाद भी वापस लौटेगा और सूद का कारोबार जारी रखेगा तो अल्लाह ताला कहते हैं उसके लिए जहन्नुम है उसमें वो हमेशा रहेगा यम यमहकल्लाबा वद अल्लाह मिटाता है रिब, आ, 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 रिबा को मिटाता है यानी उसको अल्लाह तमें बरकत नहीं रखता है और सदक़ात को बढ़ाता है वल्लाहुलायुहिबु कुल्ला कफारिन असीम अल्लाह ताला हर गुनाहगार नाशुकरे को पसंद नहीं करता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद साद बिन वकास को एक दफा फरमाया था कि हलाल खाओ और हराम छोड़ छोड़ दो और यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो क्या होगा तुम मुस्तजाबत मुस्त दावात बन जाओगे यानी अपनी दु... दुआएं जो हम पढ़ते हैं दुआएं कहते हैं वो तुम्हारी कबूल हो जाएंगी दुआ कबूल होने के लिए क्या जरूरी है हलाल खाना और अगर थोड़ा भी है अल्लाह ताला ने थोड़ा दिया है इंसान सूद का कारोबार क्यों करता है ताकि उसका माल बढ़े कहा जाता है हदीस में आता है कि जो शख्स थोड़े पे राजी हो जाता है अल्लाह उसकी थोड़ी इबादत से भी राजी हो जाता है

तो अल्लाह तला मुझे भी कह रहा है और आपको भी कह रहा है ए ईमान वालों अल्लाह का तकवा इख्तियार करो वह जरूर मां रिबा और जो रिबा में से रह गया है उसको छोड़ दो अब खत्म कर दो ये मामला एक स्टॉप लगा दो जो रह गया जो ले लिया दे दिया हो गया खत्म आगे से रिबा का कारोबार मत करो अगर तुम मोमिन हो तो अगर तुम ईमान वाले हो और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे फन तो तैयार हो जाओ बिहार अल्लाह व रसूली अल्लाह और उसके रसूल से जंग करना सफ अल्लाह अल्लाह ताला हमें सबको सूद से बचाए जान बैन कर देन करने वालों के लिए अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे हमें अपनी हिफाजत में रखे अल्लाह कहते हैं फनू बिहार व रसूल बहुत सख्त तरीन आयत है अल्लाह की लिए अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ व इन तुम और अगर तुम आ, माफी तलाफी कर लो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा पूरा जो रसुमाल तुम्हारा माल माल है है जो असल असल माल होता रमाल तुम्हारा असल माल वो तुम्हारे ही लिए है ना तुम पर जुलम होगा ना तुम किसी पर जुलम करने वाले बनो वह वा इनका ना जो उस रतन फन इलामई सरा और अगर तुम हो तंग दस्त अगर तुम थोड़े गरीब हो तो नहीं अब तुम नहीं अगर हो कोई तंग दस, इला मई और तुमने किसी को कर्ज दिया हुआ है तो फिर उसको मोहलत दे दो अगर वो शख्स कहता है कि मैं एक महीने में वापस कर दूंगा और वो नहीं कर सकता तो फिर उसको मोहलत दे दो तुम्हें नजर आ रहा है कि वो तंग दस्त है उसको मोहलत देने से क्या होगा वह अन यानी अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है वह अन तदकू खैरकुम और अगर तुम उसको सदका ही कर दो यानी तुमने दे दिया अब तुम माफ ही कर दो उसको तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है इन तुम तम अगर तुम जानते हो यानी इसके बारे में भी आता है कि अगर मोहलत दी जाए तो अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ कर देता है फिर जैसे कि तुम उसको मोहलत दे रहे हो ये बहुत बड़ी अपने आप को बख्शवाने की बात है कि अगर हम किसी को मोहलत दे दें तो अल्लाह ताला भी फिर हमारे लिए आखरत में जन्नत के दरवाजे खोलता है डरो से उस दिन तुम लौटाए जाओगे जिसके अंदर अल्लाह की तरफ फिर तुम्हें पूरा पूरा हर नफ्स को दिया जाएगा हर शख्स को पूरा पूरा दिया जाएगा जो उसने कमाया और उस पर जुल्म ना होगा या मनु आमनू इदा तुम ये बहुत बड़ी आयत है इसको आयत दिन कहते हैं सबसे बड़ी आयत है कुरान की अः यानी कर्ज लेने पे कर्ज देने पे जो हिसाब किताब होना चाहिए कैसे होना चाहिए कैसे कर्ज लेना चाहिए ये सब कुछ इस आयत में आता है जी ईमान वालों जब तुम मुक्रा मुद्दत तक उधार लेने का मामला करो तो उसे लिख लिया करो जरूरी है हमें कि हम लिख लिया करें हम भूल जाते हैं भूल भी सकते हैं कोई गलती भी हो सकती है या नफ्स लगा हुआ है कोई और भी केस हो सकता है जानबूझकर भी हम इसको फिर कर सकते ठीक है मैंने कर्ज लिया था किसी को पता थोड़ी है मैंने लिया था तो अब मैं मुकर जाऊं उससे तो इन सब को बचाने ऐसी सिचुएशंस को बचाने के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तुम उधार का मामला करो तो उसे लिख लिया करो और चाहिए कि जो शख्स तुम्हारे दरमियान लिखने वाला हो वो इंसाफ के साथ लिखे और कोई लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे जैसा उसे अल्लाह ने सिखाया है So, चाहिए के लिख दिया करे और जिसके ऊपर हक है उसे चाहिए कि लिखवा दे यानी जो दे रहा है कर्ज उसको चाहिए कि लिखवाए और वो अल्लाह से डरे जो उसका रब है उसमें से किस कुछ कमी ना करे सो so, अगर वो शख्स कम समझ हो कम अकल हो जिस पर हक है या वो ज़ईफ हो या वो इमला कराने पर कुदरत नहीं रखता तो उसका वली इंसाफ के साथ लिखवा दे अब कोई बच्चा है बच्चे के माल से कोई ले रहा है तो कोई इतना बच्चा को नहीं मालूम कि कैसे लिखत पढ़त होती है तो उसका वली उसके साथ इंसाफ के साथ लिखवाए और अपने मर्दों में से दो आदमियों को गवाह बना लो बस अगर दो आदमी ना मिले तो एक मर्द और दो औरतें हैं उन गवाहों में जिन्हें तुम पसंद करते हो ताकि इन दो औरतों में से अगर एक भटक जाए तो दूसरी को यानी अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद दिला दे और ना इनकार करें गवाह जब उनको बुलाया जाए और कर्जे के मामले में लिखने से मत मत उकताओ छोटा हो या बड़ा इस मुद्दत ए, उसकी मुद्दत मुक्रा तक ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा इंसाफ की बात है यानी जब लिखने की बात आए तो चाहे वो छोटा हो या बड़ा उसको लिख लिया करो गवाही के ज्यादा दुरुस्त रखने वाली है ये बात और ज्यादा करीब है कि तुम शक में मत पड़ो मगर ये कि कोई तिजारत हो जिसमें लेना देना दस्त बदस्त हो यानी अगर मैं जैसे हमारी शॉपिंग है अभी मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ उसी के केवज मैंने एक चीज खरीदी इसके लिए तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है जिसका तुम आपस में मामला कर रहे हो तो उस पर कोई गुना नहीं है कि उसकी लिखाई पढ़ाई ना की जाए और गवाह बना लिया करो जबकि तुम आपस में खरीदो फरोख्त का मामला करो और ना जरर दिया जाए कातिब को और ना ही गवाह को और अगर तुम ऐसा करो तो बिलाशुबा इसमें गुनागारी है तुम्हारे लिए अल्लाह से डरते रहो अल्लाह तुम्हें सिखाता है अल्लाह हर चीज का जानने वाला है वह इनकुन तुम अला सफर वलम तजिद कासिवन फरिहान मकबूदा अब सफर में है और सफर में किस तरह लेन देन किया जाए तुम सफर में हो और तुम कोई कातिब ना यानी बीच में कोई गवाह नहीं है कोई लिखने वाला नहीं है कोई पता कोई बेश गवाही नहीं है किसी की भी पीछे हमें क्या कहा गया कि जब ये ऐसी बातें हो कर्जा लेने देने की तो उसमें फिर गवाह करो लेकिन अब तुम सफर में हो और तुम्हें कोई जानता पहचानता भी नहीं है तुम्हारे लिए कोई गवाही भी नहीं दे रहा अब कैसे कर्जा लिया जाए परिहानुम मकबूजा तो फिर कोई चीज गिरवी रख दो और गिरवी रखने का क्या मतलब होता है तो पैसे वो वापस तुम्हारा मैं कर्जा वापस कर दूंगी और अपनी चीज वापस ले जाऊंगी तो ये बीच में एक गारंटी के तौर पर रखी जाती है फिन तो अमीना बाम बागन फलियोदी तुम इन अमानता हो वलियबा सो अगर तुम में से एक दूसरे पर इतमान इतमान कर ले तो जिसको इमानत दार समझा गया है साहिब इमानत को इमानत दे अदा कर दे और अल्लाह से डरे जो उसका रब है और गवाही को मत छुपाओ और जो शख्स गवाही को छुपाएगा उसका दिल गुनाहगार है अल्लाह इन कामों को जानता है जो तुम नहीं जानते है ये भी एक वक्त की बात है जिसमें इमानत किसी ने इमानत दी थी एक वाक्य हुआ था कि गिरवी गिर रखकर कोई चीजें खरीदी गई थी खरीदो फरोख्त हो गई थी वो शख्स मारा गया मर गया या मारा गया जब उसके लवाकिन बाद में पहुंचे हैं उन्होंने उसकी चीजें नहीं दी थी और फिर बाद में पता चला कि वो उसी की चीज थी तो उसके बारे में अल्लाह ताला बताते हैं कि तुम गवाहियों को मत छुपाओ अगर ऐसा करोगे तो गुनागार हो जाओगे लिल्ला आगे से बहुत हर आगे की जो आयतें हैं तीन आयतें इन आयतों को पढ़ने का बहुत सवाब है हर रोज पढ़ना चाहिए सुबह शाम पढ़ना चाहिए ला ही माफिल समावात ही अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीनों में है वह इन तुब्दु माफी बिहिल्ला अल्लाह कहते हैं जो कुछ तुम्हारे जी में है चाहे तुम उसको जाहिर करो या छुपा दो अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला है वकफिर मन यशा अल्लाह जिसको चाहता है माफ करता है जिसको चाहता है अजाब देता है अल्लाह हर चीज पर कादिर है वल रसूलो मैं ईमान लाती हूँ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उसकी तरफ जो नाजिल किया गया है उस रब की तरफ से और मोमिन भी ईमान ले आए सब ईमान लाने वाले अल्लाह पर फरिश्तों पर उसकी किताबों उसके रसूलों पर और वो कहते हैं कि हम उसके पैगमरों में से किसी की तफरीक नहीं करते और उन्होंने कहा हमने सुन लिया और मान लिया हम भी आज कहें कि या अल्लाह हमने सुना और हम इतात करने वाले बनेंगे अल्लाह ताला हमें तोफीक दे कि हम सुनने और इतात करने वाले बन जाए गुफरा न का एल्ला हम आपसे आपकी मफफरत की, की बख्शिश की सवाल करते हैं ए हमारे रब तेरी ही तरफ हमको लौट कर आना है لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله تعالى مكلف نہیں بناتا کسی जिसकी उसमें ताकत ना हो यानी अल्लाह ताला किसी पर भी कोई मुश्किल नहीं डालता सूरह बकरा के आखिर में आने का ये क्या मकसद है एक हमत कि इतने सारे अहकाम आए हैं मुश्किल आएंगी अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि तुम्हें टेस्ट भी किया जाएगा डेफिनेट जरूर आएगा क्यों तुम अपना वक्त बर्बाद करते हो अः गैर शरी बातों के पीछे मुसलमान का कलमा पढ़ा है तुमने उसके बावजूद भी तुम्हारे ऊपर जरूर तकलीफें आएंगी चाहे तुम कुछ करो या ना करो चाहे तुम गैर शरी ओल अपनाओ या शरीयत के असूल अपनाओ मुश्किल तो आएंगी तो फिर क्यों ना हम अपनी शरीयत में रहते हुए मुश्किल का सामना करें सामना तो करना ही है मुसलमानी का ठप्पा तो हम पर लग ही गया है मुश्किल तो आनी ही आनी है क्यों फिर हम यहाँ की मुश्किल भी बर्दाश्त करें और आखरत की मुश्किल भी बर्दाश्त करें अल्लाह कहता है किसी जान को उसके मुकल उसकी वसत से ज्यादा अल्लाह तकलीफ नहीं देता है जो तकलीफ मेरे लिए आई है हो सकता है मैं उसी की हो नहीं सकता मैं उसी की कैपेबिलिटी में मेरे अंदर है बर्दाश्त करने की जो किसी और पर आई है चाहे वो कम ही क्यों ना हो हम उससे मुजना नहीं कर सकते अपना बाज बाजत हम देख के कहते हैं और ये तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी जिसको तुमने इतना बड़ा पहाड़ बना दिया है लेकिन अल्लाह जानता है कौन कितनी कैपेसिटी का मालिक है तो जिस पे जो तकलीफ आई है वो उसके लिए है ये कहते हैं ना टेलर मेड हैं ये हमारी मुश्किल मेरे लिए अल्लाह ने भेजी है इस आयत को देख के कह सकते हैं जब अल्लाह कह रहा है हम झुटला सकते हैं इस आयत को अल्लाह कहता है कि मुकल्लफ नहीं बनाता किसी जान को उसकी ताकत के बिना के उसकी ताकत के बगैर जितनी ताकत दी है अल्लाह ने उतनी ही तकलीफ आएगी उससे ज्यादा नहीं आ सकती हम भी जानते बूझते किसी बच्चे के ऊपर उतना बोझ नहीं डालते हमारी बेटियां जो आजकल जिस जिस माहौल में पल रही हैं सत्रह अठारह साल की अगर पिछले के जमाने में देखें पूरे पूरे घर संभाले हुए थे हमारी सत्रह अठारह साल की बेटी क्या करती है अभी तो बेबी है हमारी वो पढ़ रही है राइट right? एग्जैक्टली exactly. तो हम जब अपने उस बेटियों पे अपने बेटों पे बोझ नहीं डालते हैं हमारे 25-25 साल के बेटे हो जाते हैं कुछ नहीं आता उनको कोई घर संभालने का उनको नहीं पता शौर ही नहीं है कि जिम्मेदारी क्या है और हमारे 15-15 साल के सहाबा क्या क्या कर बैठे तो जब हम नहीं डालते और अल्लाह जिसने हमें बनाया है हमारी मुश्किलात डाल के हम पे मुश्किलात कैसे हमारे कंधों के जोर कंधों पे ज्यादा जोर डाल सकता है ये नहीं हो सकता तो जब कोई मुश्किल आए उसको समझें मैं इसके काबिल हूं अल्लाह इसमें मुझे दुआ मांगिए कि अल्लाह इसमें मुझे सुरखुरू करे ना कि हम उसको जाया कर दें उस मौके को जाया कर दें नहीं मुकल्लफ बनाता किसी जान को अल्लाह उसकी ताकत के बगैर हर जान के लिए वही है जो उसने कमाया है और उसके ऊपर वबाल है उसका जो वो गुनाह करेगा जो आपने गुनाह किया उसका वबाल आपके ऊपर है किसी और पे नहीं है जो मैंने गुनाह किया उसका वबाल मुझ पे है जो मैंने कोई किसी का बदला ना देगा ए हमारे रब हाँ ये दुआ हम जरूर कर सकते हैं अपने रब से हमारा मुआजा ना फरमाना अगर हम भूल जाए या हमसे चूक हो जाए हमसे गलतियां हो जाए तो अल्लाह हमसे माफ कर देना हम जानबूझकर जब करें तो वो गुनाह होता है हमें पता है हमें शुरू है और फिर भी हम गुनाह कर रहे हैं तो ये गुनाह है गलती कोई करते हैं ये गुनाह है तो अल्लाह ताला लेकिन हम जो गलती से हो जाए हम भूल जाते हैं कभी कभी हम बहक जाते हैं उस पर मुआवजा हमारी पकड़ ना करना ऐ हमारे रब हम पर वो बोझ ऐसे बोझ ना रखना जो आपने हमसे पहले लोगों पर रखे थे हमारे रब हम पर ऐसा बाढ़ ना डालना जिसकी हम ताकत ना रखते हों हमें माफ फरमा दीजिए हमारी मफफरत फरमा दीजिए हम पर रहम करना अल्लाह ताला, आप हमारे मौला हैं, हमारी मदद फरमाना काफरों के मुकाबले में अल्लाह ताला तू जानता है हमारी हमारी कैपेसिटी को हमारी कैपेबिलिटीज को अल्लाह ताला हमें उससे ज्यादा बोझ ना डालना तो हमें माफ करवा फरमा देना आप भी यहाँ हम भी यहाँ पे दुआ मांगते हैं वाफ अनना वक़्लाना वर हमना अन तमाउलाना अल्लाह तेरे अलावा कोई और डर नहीं है हम तेरे अलावा कहीं नहीं जा सकते कि जिससे मांगे कि हमें माफ कर दे तू ही माफ़ करने वाला है अल्लाह ताला हमें माफ कर दे अंतमाउलाना फन सुरना अल कौमिल काफी काफरों के मुकाबले में हमारी मदद करना आले इमरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुरह अल इमरान और बकरा इन दोनों के बारे में आता है कि ये इनके पढ़ने वाले बादलों की तरह साया करेंगे क्यामत के दिन हम भी उन पढ़ने वालों में से हमें बनना चाहिए कुछ ना कुछ हिस्सा हमारी टीचर हैं उनका उनकी अम्मी का भी इंतकाल हुआ उन्होंने बताया था कि खाना पकाने के दौरान आई थिंक आई मैं बिफोर कि खाना पकाने के दौरान उनकी अम्मी किसी से बात नहीं करती थी क्यों क्योंकि क्यों, वो क्यों सूरा बकरा पड़ती थी इमेजिन कीजिए उन औरत का उसका क्या अजर होगा वो कहती थी कि बस जब वो किचन में चली गई ना अब नहीं पढ़ अब किसी से बात नहीं करनी कोई उनसे बात नहीं कर सकता था जी जी जी, जी, जी जबानी याद करके जी क्या हम नहीं कर सकते यू थिंक हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते तो, तो, सकते हैं नहीं कर नहीं। तो क्या क्या ख्याल है कि अगर हम दो आयतें याद कर लें सिर्फ दो आयतें पहली दो आयतें पहली पांच आयतें वो याद करके और हम चलें वो याद है आपको अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट फाइव ले लें ले उसमें सिर्फ वो दस आयतें हमने अब अगर आप करना चाहते हैं खाना पका रहे हैं उसके दौरान पढ़ने आ जाएगी।, आ जाएगी अगर पढ़ते रहें तो हो जाएगा लेकिन बाज ऐसा होता है तिलावत लगी हुई होती है हम अपने काम में मशगूल हो जाते हैं हम कुछ और सोचने और करने लग जाते हैं ये बेद भी है थोड़ी नहीं लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका बता रही हैं कि हम उसमें लगाएं और कॉन्शियसली हम उसको, उसको उसके पीछे दोहराएं आजकल तो ऐसे ऐप्स हैं कि आप उसको रोक सकते हैं वहीं तक हमने याद कर लिया अब उसको पढ़ते रहें पढ़ते रहें एक महीना सिर्फ पांच ही आयते पढ़ लें एक महीना दस ही आयतें पढ़ लें उसके बाद एक आयत का उसमें और एडिशन कर दें फिर एक और आयत का एडिशन कर दें करते 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 कहीं तो पहुंचेंगे अपने बच्चों को आदत डाल दें उनसे पूछें कि दिन का वो कौन सा हिस्सा है आप देखें कि जिसमें वो फारे होते हैं उसमें आप उनसे कहें एक आयत बस एक आयत को दस दफा पढ़ना है कितनी देर लगेगी कितनी देर लगेगी आपके अंदाज में मुझे तो लगता है एक ही मिनट लगेगी अभी जो आयतें चल रही हैं शुरू में छोटी छोटी आयतें हैं आयते दिन की थोड़ी बात कर रहे हैं छोटी छोटी आयतें हैं ना शुरू में तो तो हम उनको शुरू तो करवाएं आदत बनवाएं बुलवाएं ताला होगा जरूर होगा और फिर ये क्यामत के दिन हमारे ऊपर साया इमरान इमरान की औलाद और इमरान के इमरान कहते हैं कि हज़रत मूसा के वालिद का नाम भी था इमरान हजरत मरियम के वालिद का नाम भी था और ये एक रिवायते हैं इस इससे ज्यादा यही लगता है कि हजरत यानी हजरत मरियम का क्योंकि इसमें जिक्र है इसलिए आले इमरान नाम दिया गया है उस ख़ानदान का जिक्र है इसका बेशर हिस्सा मदनी है सूर्य बकरा में यहूदियों का जिक्र था सूर्य आल इमरान में नसरानियों का जिक्र है ज्यादा Uh, अरब के इलाके में अरब का इलाका नजरान उसमें ईसाई आबाद थे उनका एक वफद नबी सलम के पास आया था नौहिजरी में इस सूरत में उनके जवाब हैं जो क्वेश्चन उन्होंने किए थे और सॉरी जंग बदर और जंग ओहद का भी इसी सूरत में जिक्र है पढ़ते हैं इन शहीमी

और उससे पहले नाजिल फरमाया तौरात और इंजील को अल्लाह ताला ने उतार चुका है तौरात और इंजील लिन्नासी लोगों के लिए मिन कबलु हुदल लिन्नास इससे पहले उतारी थी और यह हिदायत है लोगों के लिए वह अल फ़ुर्कान और फुर्क़ान को उतारा बेशक जिन लोगों ने कुफर किया अल्लाह की आयतों में उनके लिए शदीद आजाब है और अल्लाह तबरदस्त तो इंतकाम लेने वाला है आयतों का रब देखिए क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह ताला जबरदस्त इंतकाम लेने वाला है बेशक के अल्लाह ताला से ज़मीन में और ना आसमान में कोई चीज़ पोशीदा नहीं है हम कहाँ जाएंगे क्या कर लेंगे हम गुनाह करके आखिर डर तो अल्लाह ही का है अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए होल लदी युस अजीज़ुल हकीम वही है जिसने तुम्हार जिसने अरहाम में अरहाम यानी रहम जिसने रहम में तुम्हारी सूरत को बनाया जैसे चाहता है अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है वो जबरदस्त और हिकमत वाला है हर हर जानने वाला हर हर एक को ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है वो चाहे तो अल्लाह ताला को अब ये आले जो आमरानसरानी जो है उनका अकीदा क्या कि अल्लाह का बेटा है राइट तो अल्लाह ताला यहां बताते हैं, अल्लाह ताला है जिसने वही है जिसने तुम्हारे अरहामों में तुम्हारी सूरतों को बनाया है अल्लाह पैदा करने वाला है चाहे तो वो बेटे अल्लाह सॉरी बाप के बगैर पैदा कर दे माँ के बगैर पैदा कर दे जैसे कि हजरत आदम असलाम को भी पैदा किया था और चाहे तो दोनों के साथ पैदा करे तो अल्लाह हर चीज पर कादिर है वो जब जबरदस्त है हर माँ हर बच्चे को माँ बाप के जरिए पैदा करता है लेकिन चाहे तो बगैर उसके भी पैदा कर सकता है और फिर ये कि हर तरह की सूरत अल्लाह ताला ने पैदा की है हमें कोई इख्तियार नहीं है कि हम उसके ऊपर तनकीद करें कि ये ऐसा तो वो वैसा होजला किताबा मिनहू आया तो मुहकमत अल्लाह तला वो है जिसने आपके ऊपर किताब नाजिल की है उसमें मोहकम आयतें हैं और कुछ मुतशाबात आयतें हैं मुतशाबहत आयतों में से कैसी हैं जैसे कि अर्श पर कायम होना जो पिछले हम से बारे में पढ़ के आए हैं अल्लाह ताला मुस्तवा है अपने अर्श पर अल्लाह ताला की कुर्सी है ये भी हम पढ़ कर आए हैं तो अल्लाह की कुर्सी कैसी है इसके अंदर हमें नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस किताब में कुछ पुख्ता आयतें हैं और कुछ मुतशाबात हैं जिनके दिलों में कजी होती है वो इन मुतशाबहात के पीछे पड़ जाते हैं मिन हो बतिगा अल फितना क्या चाहते हुए फितना चाहते हुए फिर वो ढूंढेंगे कि अच्छा इसका क्या मतलब है इसका क्या मतलब है इससे ये तावील निकाल लो उससे वो तावील निकाल लो लेकिन जिन जो और वो गुमराही में पड़ते हैं ले, जिनके दिलों में कजी है वो उनके पीछे पड़ जाते हैं और कुरान में मुतशाबिहात में फितना तलाश करने के लिए कि इसका मतलब तलाश करने के लिए और नहीं जानते इसके मतलब को मगर सिर्फ अल्लाह और जो लोग इल्म में रासिक होते हैं पुख्ता होते हैं वो क्या कहते हैं हम ईमान लाए जैसे कि ईमान लाने का हक है तो हम भी मानते हैं अल्लाह ताली की सिफात हमें क्या पता अल्लाह की सिफात में अल्लाह कैसा है हम कहते हैं अल्लाह जागता है अल्लाह सोता नहीं है कैसे हम तसवर कर सकते हैं कि अल्लाह सोता नहीं है अल्लाह की सिफात जैसी हैं हम उस पर ही ईमान लाते हैं सब हमारे रब की तरफ है और इससे सिर्फ अकल वाले नसीहत हासिल करते हैं अल्लाह एक है उसका कोई बेटा नहीं है ये उनको बात समझ में नहीं आती है उनका मकसद क्या है सिर्फ और सिर्फ कितना फैलाने का है अल्लाह ने हमें आज यहाँ लाके बिठाया है कोई तो मकसद होगा ना आज हम यहाँ इकट्ठे कुरान पढ़ रहे हैं कोई तो मकसद होगा अल्लाह ताला ने क्यों हमें यहाँ चुन लिया है अल्लाह हमें थाम ले अल्लाह ताला हमें गुमराह ना होने दे हम दुआ करें कि ए अल्लाह ताला या, या अला कि ताला जितना हमारा ईमान है उसके ऊपर जमा दे हमें पलटाना मत لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من रहमा رحمة إنك أنت الوهاب बहुत जामे दुआ ये भी एक जामे दुआ में से ए हमारे रब हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना अल्लाह ताला जितनी आपने हिदायत दी है उसके बाद हमको पलटाना ना और हमारे पास अपने पास से बड़ी रहमत अता फरमा दीजिए बेशक आप अता करने वाले हैं ऐ हमारे रब बेशक आप लोगों को उस दिन जमा करने वाले हैं जिसमें कोई शक नहीं है बेशक अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता इन लदीना कफर तो बेशक बे कुफर किया है हर गज उनके माल उनके कुछ काम ना आएंगे ना माल ना औलाद कोई काम ना आएगा और ये वो लोग हैं जो ईंधन बनेंगे दो जख् का कदा भी आली फिर आउना वदीना मिन कबिल आयाती नदीदुल उनका तरीका वही है जो आले फिर का है और उन लोगों का था जो उनसे पहले थे उन लोगों ने हमारी आयत को जुटलाया तो जिनको जो अल्लाह की आयतों को जुटलाता है अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने उनको पकड़ लिया उनके गुनाहों की वजह से अल्लाह सख्त अजाब वाला है फिर अगली आयतों में अल्लाह तला बता रहे हैं पेशन गोई हो रही है कि काफिर मगलूब हो जाएंगे फरू सतोह लबूना वत शरू ना इला जहन्नमी सलमिहाद आप उन लोगों से फरमा दीजिए जिन्होंने कुफर किया है कि अन करीब तुम मगलूब हो गए और जमा किए जाओगे दोजख की तरफ और वो बुरा बिछोना है अल्लाह तला ने बता दिया कि काफिर जो आज डट रहे हैं और इतने ज्यादा सर चढ़ कर बोल रहे हैं अन करीब वो गालिब हो मगलूब हो जाएंगे और फिर जहन्नम की तरफ उनको घसीटा जाएगा आगे से जंग बदर का वाक्य बयान किया जा रहा है नहीं हैदॉरी कद का नकुम आया तनफी फिन तक़ा इन आयतों में अल्लाह ताला बता रहे हैं बिलाशुबा तुम्हारे लिए निशानी है उन दो जमातों में जो आपस में मुकाबल हुई मदे मुकाबल आई एक जमात लड़ रही थी अल्लाह की राह में दूसरी जमात काफिर थी वो देखते थे आंखों से मुसलमानों की जमात को दुगना और अल्लाह ताला अपनी मदद के साथ जिसकी चाहे तयद फरमाता है बिलाशुबा उसमें जरूर बड़ी इबरत है उन लोगों के लिए जो अकल वाले हैं उलुल अभसार आंखों आंखों वाले हैं यानी आंखों से देखते हैं तो फिर अकल से इस्तेमाल करते हैं अकल का इस्तेमाल करते हैं मुसलमान कुल कितने थे इसमें ए जंगे जंग सॉरी जंगे, जंगे बदर जंगे है। ये जंगे बदर ही है दैट्स राइट right. जी बहुत शुक्रिया जंगे बदर में तीन सौ तेरह थे और मुसलमान काफरों की एक हजार थी सिर्फ एक हजार थी जी आई एम आई एम रियली सॉरी जंग बदर ही जंग बदर ही का वाकया है कि जहाँ पे एक जमात लड़ रही थी अल्लाह के लिए और दूसरे काफिर थे और हमें पूरा वाकया वो हमें मालूम है ना कि कैसे हुआ था जंग बदर थोड़ा सा बताएं ब्रीफली ब्रीफली क्यों उन्होंने प्लान किया था जो भी के उनके कबायल के जो सरदार थे मक्का के कि हम मुसलमानों खिलाफ देखो तो किसी तिजारत के तिजारत वाला वाकया कि तिजारत लेके वापस आ रहे थे और अचानक ही ये हुई अचानक हुई थी जंगेबदर अचानक हुई थी ये प्लान नहीं थी और उसमें फिर वो मुसलमानों के मुसलमानों ने काफले को रोका था और उसमें फिर वहां लड़ाई बड़ा गहरा हो गई थी तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन दो ग्रहों में तुम्हारे लिए इब्रत है कि देखो कैसे थोड़ी सी जमात को अल्लाह ताला ने दूसरों पर गलबा दे दिया था अल्लाह फरमाते हैं कि खुशनुमा बना दी गई है लोगों के लिए कौन सी मोहब्बतें औरतों की बेटों की बड़े बड़े भारी माल की सोने सोने की चांदी की निशान लगे हुए घोड़ों की यानी ब्रांड्स की मवेशियों की खेतियों की का मताउल हयात दुनिया ये दुनिया की जिंदगी में फायदा उठाने के लिए कुछ चीजें हैं साजो सामान दुनिया के लिए है थोड़ा सा वल्लाहु इस थोड़े के पीछे तुम मत जाना अल्लाह कहता है अल्लाह के पास है अच्छा ठिकाना ये मोहब्बतें अल्लाह ने डाली हैं अल्लाह इनको छोड़ने को नहीं कहता इन मोहब्बतों के साथ हमने अल्लाह के ताबे होकर जिंदगी गुजारनी है दुनिया का हसूल एतदाल के साथ हमने आखरत को पाना है असल कोशिश क्या करनी है आखरत के लिए इन्हीं मोहब्बतों में रह के इन्हीं मोहब्बतों के साथ हमने दुनिया से सुरखरू होना है और आखरत में अल्लाह के यहाँ जाना है क्या मैं तुम्हें नहीं बताऊं आप फरमा दीजिए कि इससे बेहतर मैं तुम्हें बताऊं कि क्या है जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया उनके लिए उनके रब के पास बागात हैं और जिनके नीचे नहरें बहती होंगी उसमें वो हमेशा रहेंगे और बीवियां हैं पाकिजा और रजामंदी है अल्लाह की तरफ से अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला है अल्लादीना यकूलूना रबना आमन्ना फिल्लना जनू बना वकीना अदा बनार ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे रब हम बेशक ईमान ले आए लिहाजा हमें बख्श दे हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें दोजह के अजाब से बचा दे आमीन या रबल आलमीन हम भी यही दुआ मांगने वाले हैं الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار ये वो लोग हैं जो सबर करने वाले हैं सच्चे हैं सबर करने वाले दोबारा से अपना लेसन दोहराइए सबर करने वाला कौन होता है किसको कहते हैं सबर करने वाला जो अल्लाह की इतात हर हाल में करे और गुनाहों से बचता रहे और मुसीबतों पर शिकायत ना करे अल्लाह ताला हमें साबरीन में शामिल फरमा और सादिकीन में शुमार कर दे वलानीन जो हुक्म मानने वाले हैं जो अल्लाह के लिए हुक्म बजाने के लिए खड़े हैं अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल कर दे वल मुस्त वल मुनफिकीन अल्लाह ताला हमें खर्च करने वाला बना दे वलमस्तफरीन और अल्लाह ताला हमें उनमें शुमार करे जो सेहरी के टाइम पे यानी जो तहज्जुद के टाइम पर इस्तिगफार करने वाले हैं आमीन या रब्बाल आलमीन शहीद अल्लाहु अन्ना ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह ने गवाही दी है बेशक कोई माबूद नहीं उसके सिवा और फरिश्तों ने और अहले इल्म वालों ने वो इंसाफ के साथ कायम है कोई माबूद नहीं है सिर्फ वही है जो है वो ग़लबे वाला और حکمت वाला है जो पीछे हमने आयत पढ़ी ना आयत नंबर सेवनटीन के अल्लाह ताला कहते हैं इस वक्त दुआ करने वाला को सहरी के वक्त दुआ करने वाले ऐसे हैं कि उनका टारगेट कभी मिस नहीं होता हदीसों में आता है इस वक्त जो उठकर दुआ करेगा वो ऐसा है कि कबूल होती ही होती है उल्मा कहते हैं अगर आप दुआ करते हैं और आपको कोई चीज चाहिए और आप कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं हो रही है तो वो झूठ बोलता है क्योंकि उसको मालूम है मोमिन को पता होता है कि सहरी के वक्त अगर आपको कुछ चाहिए कुछ चाहिए अगर आपको रियलिटी में कुछ चाहिए तो आप जरूर सहरी में उठेंगे ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को कोई चीज चाहिए हो और वो सहरी के टाइम पे ना उठे वो तहजुद के तहज ना पड़े वो और उस वक्त दुआ ना मांगे और ये एक अकल में आने वाली बात है ना अगर आपको वाकई कुछ चाहिए तो दुआ उस वक्त कीजिए क्योंकि हमें हदीसों से मिलता है कि उस वक्त की दुआ लाजमी कबूल होती है हमें ये भी मालूम है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते है। हालांकि हमें पता है अल्लाह हर जगह मौजूद है लेकिन कैसे अल्लाह ताला आते हैं क्या होता है और अल्लाह ताला कहता है कि कोई है जो मेरे से दुआ मांगे और मैं उसकी दुआ को कबूल कर लूँ तो ये सब कुछ होता है हर रात आवाज़ दी जाती है और उस पर हमने उस टाइम को मिस नहीं करना है अल्लाह ताला गवाही देता है और तमाम मलाइका इल्म वाले कि अल्लाह ताला कायम है इंसाफ के साथ वही गालिब और वाला है अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है जब अल्लाह ने चुन लिया अब किसी और दीन की गुंजाइश नहीं अब किसी और इंसान की बगैर शर्य जो यानी इस्लाम के अलावा कोई और दीन इख्तियार करता है अब उसका कोई ताल्लुक अल्लाह से नहीं अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह ने इस्लाम को अब जो शरीयत भेजी गई है उसको चुन लिया है तो अब हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता कि यहूदी to जाएगा जन्नत में कि नहीं जाएगा अब नसरानी जाएगा कि नहीं जाएगा अब वो मेरा क्रिश्चियन काफिर जाएगा कि नहीं जाएगा वो मेरा दोस्त जाएगा कि नहीं जाएगा अब वो मेरे हिंदू मुसल दोस्त वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे हमारे पास अब ये क्वेश्चन नहीं रह जाता अल्लाह ने क्या कह दिया दीन अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम है और जिन लोगों को किताब दी गई थी उनके पास जब इल्म आ गया उसके बाद उन्होंने उसमें इख्तलाफ किया है महज आपस में जिद्दा जिद्दी की वजह से जो शख्स अल्लाह की आयत का इनकार करेगा तो अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है फिन हाजू का फकुल असलम तो वज्लाबा अन फिर अगर वो आपसे कोई हजतबबाजी करें तो आप फरमा दें कि मैंने अपनी जात को अल्लाह की फरमाबरदारी में लगा दिया मैं तो इस्लाम लेकर आ गया और उन लोगों ने भी जिन्होंने मेरा इत्तबा किया है और जिन लोगों को किताब दी गई थी आप उनसे उन पढ़ने उ, अन पढ़ों से कह दीजिए क्या तुम अल्लाह के फरमा बरदार हुए वल उम्मीदी उम्मीदी जो पढ़ते नहीं हैं अनपढ़ उनसे कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह के फरमा बरदार हुए बस अगर वो फरमा बरदार हो जाएं तो उन्होंने हिदायत पा ली और अगर वो रूगरदानी करें तो आपके जिम्मे बस काम पहुंचाना था अल्लाह देख रहा है अपने बंदों को हमारा काम क्या है सिर्फ काम पहुंचाना है इस किसी ने क्या किया उसके ऊपर अमल किया नहीं किया ये हमारा काम नहीं है ना ही हमसे किसी बात की पूछगछ होगी इन यू नबी आय वही नबीना बैर हक वही बिल्कुल वो लोग जो कुफर करते हैं अल्लाह की आयतों का नबियों को बगैर हक के कत्ल करते हैं और उन लोगों को कत्ल करते हैं जो इंसाफ का हुक्म देते हैं हमारे तमाम मौलवी इसमें आ जाते हैं जो इंसाफ का हुक्म देते हैं उनको कत्ल करते हैं तो आप अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए उलायक लदीना हबीत आमाल हूँ दुनिया उनके सारे के सारे आमाल दुनिया और आखरत में ज़ाया हो गए और उनके लिए कोई मददगार ना होगा अलम मिनल किताब किताब इला फरीक क्या क्या तुमने क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया उन्होंने अल्लाह की किताब की तरफ से बुलाया जाता है ताकि उनके दरमियान फैसला करवा दे फिर उनमें एक फरीक एराज करता है और मुंह फेर लेता है यानी कहा जाता है उनको कि देखो काम करो अल्लाह की तरफ उनको बुलाया जाता है ताकि लेकिन फिर भी क्या होता है फिर भी एक फरीक उनमें से मुंह फेर लेता है कुछ हैं जो थोड़े जो अल्लाह के कहने पर ईमान लेकर आते हैं दाली का भी अन्ना कालू नारो अल्लाह कहते हैं कि उन लोगों का ये करना यानी एराज करना इस वजह से था कि वो कहते हैं कि हमें तो थोड़े दिन आग छुएगी चंद दिन आ, 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 चंद गिनती के दिन होंगे जब हमें आग में डाला जाएगा उनका ये कौल ने उनको धोखे में डाल दिया है उनके दीन के बारे में इस चीज़ ने जिसको वो इफ्तरा करते हैं यानी खुद से खुद अपनी कहानियां घर रहे हैं अल्लाह ने ऐसी कोई बात नहीं की है कि अल्लाह उनको सिर्फ चंद दिन आग में डालेगा और फिर निकाल लेगा अल्लाह के वो चोज़न बंदे हैं ऐसी कोई बात अल्लाह ने नहीं की है फ़ैदाफ़ी बस क्या हाल होगा उस दिन जब हम उनको जमा करेंगे जिसमें कोई शक नहीं है हर जान को उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो उसने किया और उस पर जुल्म ना होगा आयत नंबर ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी सेवन इसको इज्जत वाली आयतें कहा कहा जाता है आयत इज्जा कहा जाता है कि इज्जत और गलबा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है मालिकल मुल्क तो मंत का आप कह दीजिए ए अल्लाह जो मालिक है जो अल्लाह जो यहाँ क्या लिखा है जो मालिक है मुल्क का जी सल्तनत कह लें या मुल्क कह लें वही बादशाहत होती है ना जो मालिक है मुल्क का तो मुल्क देता है जिसको चाहता है यानी सल्तनत देता है जिसको चाहता है और छीन लेता है जिससे चाहता है और वो इज्जत देता है जिसको चाहता है और जिल्लत देता है जिसको चाहता है तेरे ही हाथ में सब भलाई है बेशक तू ही हर चीज पर आदिर है वो तो वो है यानी अल्लाह वो है कि तू दाखिल करता है रात को दिन में और दाखिल करता है दिन को रात में और तू निकालता है जिंदा को मुर्दे से और निकालता है मुर्दा को जिंदा से जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है इज्जत और गलबे वाली आयतें हैं हजरत मार्ज ने अपने मकरूज होने का जिक्र नबी सलम से किया था तो आप ने फरमाया कि ये दो आयतें पढ़ा करो और अगर हम भी चाहें कि हमें इज्जत और गलबा मिले तो हमें चाहिए कि हम ये दो आयतों का वर्द रखें ला तिलमोमिनकाफरीना अलिया मिंदू पिछले ये हबी इन दो आयतों से पहले हमने क्या आयतें पढ़ी थी कि अल्लाह ताला है जो अः यानी अल्लाह ताला ने दीन को चुन लिया है हमारे लिए दीन को चुन लिया है अब सिर्फ, और सिर्फ हमें इसी दीन पे रहते हुए काम करना है और किसी दूसरे का तरीके को इख्तियार नहीं करना चाहिए इस आयत में अल्लाह बताता है कि मोमिनों को चाहिए कि काफरों को दोस्त मत बनाए जो शख्स ये काम करेगा तो अल्लाह से दोस्ती करने में उसका फिर शुमार नहीं होगा अल्लाह उसको दोस्त नहीं बनाएगा मगर ये कि इस हालत में कि दुश्मनों से कुछ बचाव करना हो अगर वो इस तौर पर दोस्ती कर ले कि दुश्मन से सिर्फ बचाव के लिए वो यानी के तौर पर उनसे दोस्ती कर रहा है तो फिर जायज है अल्लाह तुमको अपने आप से डराता है और अल्लाह ही की तरफ हमें लौट कर जाना है क्यों क्यों अल्लाह कहता है कि दोस्ती मत करो इनसे क्योंकि दोस्ती का रंग कुछ ना कुछ जरूर आता है और हम अब यहाँ देखते हैं इस माशरे में रहते हुए हम पर भी चाहते ना चाहते हुए भी यूरोप का यहाँ पे कुछ ना कुछ असर आ ही गया है हमारे लिबास ही में देख लें जरूरी नहीं है ये नहीं कहा जाता कि यस आपको शलवार कमीज ही पहननी है लेकिन हमारा इस्लाम का लिबास क्या है जिसमें हमारी शेप नजर ना आए ऐसा लिबास जिसमें हमारी शेप नजर ना आए और अगर हम ऐसे कपड़े पहनते हैं तो फिर वो हमारा इस्लाम का हिस्सा नहीं है हमारी नमाजों में अगर नमाज में इस्लाम का तरीका नहीं आता है तो फिर वो हमारी नमाज नमाज नहीं है बल्कि दूसरों के रंग में ढकी छुपी नमाजें हैं हम हमें क्या कहा गया है कि पूरे के पूरे यहाँ पे अक्सर अक्सर औकात मुझे नज़र आता है मैं देखती हूँ कि औरतें अपने हाथों का ध्यान नहीं रखती हैं हमारी आधी आधी स्लीव्स होती हैं उसके अंदर हम दुपट्टा पहन लेते हैं और दुपट्टा पहन के छोटा सा स्काफ ले लेते हैं हाथ खुल जाते हैं हमारी कलाइयां खुल जाती हैं क्या हमारे बाजू इतने बने हुए ही छोटे होते हैं और जब हम अल्लाहू अकबर कहते हैं तो हमारे बाजू खुल जाते हैं और उसका ध्यान नहीं रखते और एहसास भी नहीं होता है हमें ये सब किस लिए है क्योंकि हम पहले हमारे सब हम कवर किया करते थे अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा या हमारी स्कर्ट्स जब हमने पहनी होती हैं उसमें पिंडलियां है, हमारी थोड़ी खुली होती हैं या हमारी जीन्स ऐसी होती हैं जो इतनी टाइट होती हैं जिसके ऊपर हमारी नमाज जायज़ नहीं है लेकिन हम क्योंकि पहनते पहनते इतनी आदत हो गई है कि वी डोंट इवन रियलाइज कि हमारी नमाजें पूरी नहीं हो रही हैं तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना है इसीलिए अल्लाह ताला कहता है कि अब मोमिन काफिरों को दोस्त ना बनाएं क्यों ना बनाएं दोस्ती का रंग जरूर चढ़ता है जैसे और फिर हमें यह भी मालूम है कि दुनिया में जैसे दोस्त होंगे वैसे ही आखिरत में उनके साथ उठाया जाएगा काफिरों के साथ हमें थोड़ी बहुत इजाजत है कि उनके साथ हम काम कर सकते हैं मामला का मामला कर सकते हैं कि उनसे लेन देन कर सकते हैं लेकिन जो दिली मोहब्बत होती है वो हम नहीं कर सकते हम उनके साथ हमदर्दी कर सकते हैं हम उनकी खातिर तोज़ो भी कर सकते हैं जैसे कि एक मुसलमान की तोज़े हम करते हैं बिल्कुल वैसा वो कर सकते हैं लेकिन मोहब्बत के लिए अल्लाह ताला ने मना कर दिया है आयत नंबर ट्वेंटी नाइन सुधूरी आप उनको फरमा आप उनको कह दें जो कुछ तुम छुपाओगे जो तुम्हारे सीनों में है या तुम जाहिर कर दो अल्लाह उसको जान लेता है अल्लाह उसको जानता है और अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों जमीनों में है जो कुछ भी है अल्लाह उस पर कादिर है मिन यमाताजी सुबह अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं कि जिस दिन हर शख्स अपने नेक अमल को अपने सामने पाएगा और उन कामों को भी पालेगा जो बुरे काम थे उसकी ख्वाहिश उसकी ख्वाहिश होगी कि काश उसके और उस दिन के बराबर बहुत दूर की मसाफत हो यानी इतना फासला हो जाए वो हमें नजर ही ना आए अल्लाह तुमको अपने आप से डराता है अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है अल्लाह आपको डरा रहा है अल्लाह तला सिर्फ रहमान नहीं है अल्लाह ने रहमानियत का जिक्र किया है तो अल्लाह ने बार बार ये भी बताया है कि अल्लाह जुल्तकाम वाला है अल्लाह ताला डराने वाला है अल्लाह यहाँ पे बता रहा है वही योजे रकूमल अल्लाह तुम्हें अपने आप से डरा रहा है सिर्फ रहमान का याद रखना सही बात नहीं है कुल कुन तुम तो फतबीब रहीम कौन है जो कि कहे कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत कौन चाहता है कि हम कहें कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे हम सब चाहते हैं अल्लाह हमसे मोहब्बत करे अल्लाह ने यहां एक फॉर्मूला बता दिया कहो ए नबी आप इनको बता दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो और रखना चाहते हो तो फिर मेरी इतबा करो इतबा और इतात में क्या फर्क है ओके okay, और इतात और इतबा नहीं इतात होती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो किया अब सोचना समझना तो हमें है ही नहीं वो तो अलग बात है इत, वो होती है वो होती है जो उन्होंने किया कहा या ना किया ना कहा वो हम कर रहे हैं जैसा उन्होंने किया वैसा जैसे कि हमें कितनी सारी मिसालें मिलती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद लोगों ने देखा कि खाने में हाथ चला रहे हैं बोटी ढूंढने के लिए या कुछ इस तरह गोश्त ढूंढने के लिए वो जब भी खाना वो खाते वैसे ही हाथ चलाते एक थे के उन्होंने नबी वसल्लम को देखा कि उनके बटन खुले हुए थे सारी जिंदगी उन्होंने बटन ही नहीं बंद किए एक सहाबी थे लड़कपन की उम्र में नबी साम का गुजर हुआ वो खेल रहे थे उन्होंने उनको बुलाकर सर पर टैप किया उन्होंने बाल ही वहां से नहीं कटवाए यहाँ पे अल्लाह उनके नबी ने हाथ लगाया था ये इतबा है मोहब्बत में कि मैंने वो करना है हम छोटा बच्चे को नहीं देखते अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलता है माँ ऐसे बैठ के और आजकल तो हम हर बच्चे को देखते हैं बात करनी आती भी नहीं लेकिन वो फोन उठाएगा उसको टिक, टिक। हमारे जमाने में तो वो ऐसे उठा के और बात करते थे हमारे बच्चे और अब के बच्चे फोन उठा के वो टिक 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 करते हैं क्योंकि ये देखते हैं ये है इतबा माँ ने तो नहीं कहा था कि ये करो ये इतबा है और इतात वो होता है जो कि कहा गया तो अल्लाह ताला कहते हैं आप फरमा दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इतबा करो मेरी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा उल अतिलासूल आप अल्लाह तला कह दीजिए आप फरमा दीजिए कह दीजिए कि इताद करो अल्लाह की और उसके रसूल की सो अगर वो आयराज करें तो बेशक अल्लाह ताला दोस्त नहीं रखता काफिरों को पिछली वाली आयत में देखें क्या लिखा हुआ है अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो फिर मेरी इत्तबा करो और उस पर अल्लाह ने आखिर में कहा अल्लाह गफूर रहीम है को कह रहे हैं कुल का मतलब है कि आप इन लोगों को बता दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो हम सब दावा करते हैं तो फिर उसके लिए अब अल्लाह से मोहब्बत क्या हमें तो अल्लाह दिखाई नहीं देता कैसे मोहब्बत का दावा करें तो नबी की इतबा मेरी इतबा करो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और अल्लाह गफूर रहीम है लेकिन अगली आयत में उल अति व रसूल ए नबी आप इनको कहें कि अल्लाह और रसूल की इतात करें जो उन्होंने कहा है वो करो तो फिर अगर वो नहीं करोगे तो फिर अल्लाह ताला काफिरों को पसंद नहीं करता समझ में आई आयतें दो आयतों का मुख्तलिफ होना एक जगह अल्लाह रहीम कह रहा है और एक जगह कहता है कि वो काफिरों को पसंद नहीं करता क्यों क्योंकि जब ये तुम्हें पता चल गया कि अल्लाह उसके नबी ने क्या कहा है अब तुम नहीं करोगे तो तुम हक को छुपा रहे हो तुम ालिम भी हो और तुम काफिर भी हो आयत नंबर थर्टी थ्री अच्छा इसी में एक वाक्य जो हम पढ़ भी चुके हैं वो भी दोबारा दोहरा लेते हैं कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को कामिल ईमान के बारे में बताया था और फरमाया था कि जब तक मैं तुम्हें हर चीज से महबूब ना हो जाऊं तुम्हारा ईमान कामिल नहीं होगा तो उन्होंने कहा कि हर चीज से ज्यादा मुझे तो मेरे माँ बाप बहुत महबूब हैं तो वसल्लम ने कहा हाँ हर चीज से ज्यादा उसमें हर कोई आ जाएगा उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहा कि ठीक है मैं अपने माँ बाप से भी ज्यादा आपको महबूब रखता हूँ लेकिन इसमें अभी भी कोताही यह है कि मैं अपनी जान से ज्यादा महबूब किसी को नहीं रख सकता हर एक को अपनी जान महबूब बहराइन हजरत उमर ने साफ साफ नबी सफल को कहा अपनी जान से ज्यादा महबूब मैं आपको नहीं रख बेश मैं आपकी इताद करता हूँ लेकिन महबूब जो होगा वो मेरी अल्लाह तला के नबी ने फरमाया कि नहीं जब तक कि तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा महबूब नहीं रखते हो जब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर फरमाया रसूल अल्लाह अब आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा महबूब हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ हम भी वो नारे लगाते हैं सुनत रसूल की इतात रसूल की रसूल के नाम पर कितने दावे और कितने नारे लगते हैं हमारे यहाँ लेकिन क्या सुन्नतें हम पूरी करते हैं सोचने की बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यह हदीस है कि तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि मैं तुम्हें हर चीज से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं तो हम अपने ईमान का दावा कैसे कर सकते हैं आयत नंबर थर्टी थ्री आला आला बेशक अल्ला ने मुंतब फरमाया है आदम को न को आल इब्राहिम को और आल इमरान को सारे जहानों पर गुरयतम बाम्बादी बाज उनमें से बाज की औलाद है अल्लाह सुनने और जानने वाला है आगे से हज़रत मरीम का किस्सा बयान किया जा रहा है कि जब कहा था इमरान की बीवी ने यानी हज़रत मियम की वालदा ने कि ए मेरे रब मैंने नजर मानी है आपके लिए जो मेरे पेट में बच्चा है उसके लिए कि वो आजाद होगा लिहाजा आप इसको कबूल फरमा लीजिए बेशक आप ही सुनने और जानने वाले हैं आज़ाद करने का मतलब यानी कि उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करेगा उस वक्त बच बच्चों को नजर किया जाता था अः उनकी मस्जिदों में है, है, आ, क्या कहते हैं हैकल कहते हैं उनकी मस्जिदों को कि उसमें रखने के लिए बच्चों को छोड़ दिया जाता था ताकि वो सिर्फ और सिर्फ दीन का काम सीखें तो उन्होंने भी सोचा कि मेरे यहाँ बेटा होगा मैं भी अपना बेटा अल्लाह के लिए नजर करती हूँ लेकिन जब उन्होंने जना अपने उस बच्चे को तो कहने लगी कि ए मेरे रब बिलाशुबा मैंने तो लड़की को जना है और अल्लाह को तो खूब मालूम था यानी पहले ही से अल्लाह को मालूम था कि ये बेटा होगा या बेटी होगा जो कुछ उसने जना है यानी बताने की जरूरत नहीं है और बेटा बेटी की तरह नहीं है इसके बारे में उलमा कहते हैं कि शायद ये अल्लाह का कॉल है या ये हजरत मरियम का कॉल भी हो सकता है कि अगर अल्लाह का कॉल है तो अल्लाह कह रहा है कि ये बेटा बेटी की तरह यानी इसमें वो सिफात होंगी कि उन बेटों की तरह नहीं हो सकती है और ये हजरत मरियम का कॉल भी हो सकता है कि बेटा बेटी की तरह नहीं है कि बेटा तो काम करता है बड़बड़ के आगे जाते हैं निकलते हैं जहाज में जाते हैं लेकिन मेरी बेटी तो अब बेटी पैदा हुई है मैं इसका क्या करूं इस बेटी को तो मैंने नजर कर दिया था ये वैसी तो नहीं हो सकती तो दोनों का कॉल इसमें आ सकता है और मैंने इसका नाम रख दिया है मरियम और बेशक मैं इसको और उसकी जरूरीत को यानी उसके बच्चों को तेरी पनाह में देती हूँ शैतान मरदूद से हजरत इमरान जो थे यानी हजरत मरियम के नाना हुए ना वो बैतुलमुद्दस के इमाम थे और उनकी बीवी का नाम हन्ना था उन्होंने नजर मान मानी थी हजरत सॉरी वालिद हुए हजरत ईसा के नाना हुए जी उनकी कोई दूसरी औलाद ना थी तो उन्होंने ये नजर मानी थी फिर फतान अल्लाह तला ने उनके इस बात को कबूल फरमा लिया यानी इस बच्चे को कबूल फरमा लिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से वह अनबा नबातन हसन और उनकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की वह कफ अला जकरिया और जकरिया को उनका कफील बना दिया उनके सुपुर कर दिया जकरिया के मा दखला और कहा जाता है कि हजरत मरियम बहुत छोटी सी अभी बच्ची थी जैसे कि हम हम कह रहे हैं छोटी सी बच्ची तेरह चौदह साल की बच्ची थी लेकिन तेरह चौदह साल की बच्ची को इतना पता था कि यानी क्या इस्लाम की शायर हैं या क्या इस्लाम मांगता है आपसे इतनी तरबियत उनकी हो चुकी थी उस उम्र में कि वो एक बिल्कुल एक आ, कहते ना पुख्ता उम्र को पहुंच चुकी थी कि जब कुल्लामा दखला जकर मेहराब के जब भी जकरिया उनकी मेहराब में जब वो जो उनके जगह थी जहाँ पे हुजरा था जिसमें वो इबादत करा करती थी जब भी वो वहां जाते तो पाते उनके पास रिस्क और वो पूछते उनसे कि ए मरियम तुम्हारे पास ये कहाँ से आया है तो वो कहती कि ये अल्लाह के पास यानी अब आप देखिए कि तेरह चौदह साल की बच्ची को पता था कि ये अल्लाह के पास से आता है उनको इतनी महारत हो चुकी थी बेशक अल्लाह देता है रिस्क जिसको चाहता है बगैर हिसाब के हजरत जकरिया के हाँ हामी हमें पता है कि हजरत याहिया की पैदाइश जो कि बाद में आ रहा है कि याहिया की पैदाइश हुई थी और वो हजरत ईसा से पहले हुई थी और उनको हज़रत याहिया ने हज़रत ईसा की ऑलरेडी खुशखबरी सुना दी थी हुनाली का दा जकरिया रब्बा हूँ वहीं पर जकरिया ने दिदाई से समे क्या कहा है जी हाँ यही कहा था हाँ, जी जी। सही कहा है फिर हुनली का दा जकरिया रबाहू यहाँ पे जकरिया ने दुआ की जब वो हजरत मरियम को देखा करते थे और उनके पास कहाँ से आ गया बे मौसमी फल कहा जाता है और इतनी हिकमत की बातें उनको कैसे पता चल गई वही तालीम दूसरे लड़के भी हासिल कर रहे हैं और वही तालीम एक छोटी बच्ची भी तालीम हासिल कर रही है लेकिन उनकी तालीम और उसकी तालीम में जमीन आसमान का फर्क था और ये पता चल गया तो जब ऐसी तालीम और ऐसी चीजें बज़ाहिर सारे करिश्मे जब वो देख रहे हैं अपनी आंखों से तो उन्होंने वहीं पर दुआ की हजरत जकरिया के यहाँ भी बच्चे नहीं थे तो उन्होंने दुआ की अल्लाह मुझे भी रबली मिल्ल का दुरयतन तय्यबन मुझे भी अपने पास से पाकिजा औलाद अता फरमा उनको पता था वैसे भी वो नबी थे और जब देखा कि हज़रत मरियम के पास ऐसे ऐसे रिस्क हैं तो उन्होंने दुआ की कि मुझे भी पाक औलाद बेशक के आप दुआओं के सुनने वाले हैं फनादतुलमला इकतु फिल उसी वक्त फरिश्तों ने उनको आवाज़ दी इस हालत में महराब में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे अपने हजरे में बिला अल्लाह आपको याहिया की खुशखबरी देते हैं वो के कलमे की तस्दीक करने वाला होगा सही अल्लाह का कलमा हमें पता है कौन है हजरत ईसा है कि वो कलमा की तस्दीक करने वाला होगा और वह सरदार होगा औरतों और से दूर रहने वाला होगा और नबी होगा सालहीन में से होगा यानी हजरत याहिया की कौला उन्होंने कहा ए मेरे रब मेरे यहाँ कैसे एक लड़का होगा जबकि मेरी बीवी मुझे बढ़ापा पहुंच चुका है और मेरी बीवी तो बांझ है कहा इसी तरह होता है जैसे अल्लाह चाहता है वो करता है फिर उन्होंने कहा ने कि मेरे लिए ए मेरे रब एक निशानी मुकर करवा दीजिए ताकि मेरे रब मेरे लिए एक निशानी को मुकरर कर दें तो अल्लाह ने कहा कि तेरी निशानी ये होगी कि तू बात ना कर सकेगा लोगों से तीन दिन तक मगर ये कि इशारा करोगे तो याद करो अपने रब को बहुत ज्यादा और तस्वीर बयान करो सुबह और शाम हमें भी चाहिए कि जब हमारे पास भी कोई हमें अल्लाह ताला की नेमत हासिल हो या अल्लाह की नेमत ही थी ना जो उनको अल्लाह ने जकरिया को हजरत जकरिया को याह्या की बशारत दी तो उन्हें क्या कहा कि फिर वजब का कसीरन अल्लाह का जिक्र बहुत ज्यादा और सुबह शाम तस्वी बयान करो तो जब कोई नेमत मिले तो हमारा अमल भी यही होना चाहिए कि हम अल्लाह को याद करें अल्लाह ताला हमें भी सफ़ार करने वाला तस्वीर करने वाला बना दे व इस कौलतमलाई का तो या मरियम इन अल्लाह सफ़ा की वाहर की व सफ़ा की आलमीन मरियम को अल्लाह ताला कहते हैं फरिश्तों के जरिए ऐ मरियम अल्लाह ताला ने तुझे मुंतखब कर, कर लिया है पाक बनाया है सब जहान की औरतों के मुकाबले में तुमको चुन लिया है तो ए मरियम तू अपने रब के लिए फरमा हो जाओ सजदा और रुकू करती रहो और उन लोगों के साथ यानी सजदा रुकू करती रहो उन लोगों के साथ रुकू करो जो रुकू करने वाले हैं अल्लाह के नबी आप वहां पर ना थे ये तो आपको अल्लाह गैब की बातें हैं जो आपकी तरफ वही करते हैं वमां कुंता दहीम और ना ही आप उनके पास थे जब वो अपने कलमों को डाल रहे थे कि कौन मरियम की कफालत करेगा और ना आप उनके पास थे जब वो लड़ रहे थे या झगड़ रहे थे इसके बारे में क्या आता है हज़रत जब हजरत मरियम को उनकी वालदा ने हजरत मरियम को उनकी वालदा ने आ, आ, नजर के लिए मान नजर के लिए छोड़ दिया तो उनकी किफालत क्योंकि अब इतनी ज्यादा उनमें नजर आ रहा था इतनी ज्यादा बरकतें और रहमतें और रिस्क नजर आ रहे थे तो उनकी किफालत के लिए उसी पहले से ही उनकी किफालत के लिए झगड़ा होना शुरू हो गया था कि कौन इनकी किफालत करेगा हालांकि वो तो दिया जाता था उस, उस जमाने में कि जिसको भी जिसके सुपुर्द कर दिया जाए लेकिन हर कोई उनकी उनकी कफालत करना चाहता था तो ये कलम डालने का जैसे हम कहते हैं लॉट्स डाले जाते हैं इस तरह उनके कलम डाली जाती थी और फिर ये कि शायद कलमों को डाला जाता था और एक जो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी वो उसका न, नाम उसका निकल आएगा तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये गैब की खबरें हैं जब वो कल में डाल रहे थे कि कौन मरियम की कपालत करेगा और वो इस बारे में झगड़ रहे थे ये आपको नहीं पता था आप वहां मौजूद नहीं है अल्लाह ताला हमें भी ऐसी औरतों में शुमार कर ले जैसे कि हजरत मरियम को चुना गया था इसमलाई का तो या मरियम हो इन अल्लाह शरीब शिरु की भी कलीमत मरियम व जी हन फिखिरा जब कहा फरिश्तों ने अः मरियम बेशक के अल्लाह ताला तुम्हें खुशखबरी देता है एक कलमे की जो अल्लाह की तरफ से होगा उसका नाम मसी होगा वो ईसा इब्ने मरियम उसका नाम मसी होगा वो ईसा इब्ने मरियम होगा वो दुनिया और आखिर में बावजाहत होगा और मुक़र्रबीन में से होगा ईसा को जब खबर मिली वो उनको प्रेगनेंसी की खबर मिली अल्लाह तला ने उनको खबर दी पहले से ही वह युकल मुन्नासा फिल्मी वैसा होगा जो माहद में यानी क्रेडल में गहवारे में बोलेगा व काहलन और बुरी उमर में भी बोलेगा कहालन कहते हैं चालीस साल की उम्र से ज्यादा को ये दलील है इस बात की कि हजरत ईसा का दोबारा नजूल होगा क्यों क्योंकि उनकी उम्र के बाद उनको उठा लिया गया था अभी चालीस को वो नहीं पहुंचे हैं और फिर ये भी मालूम है हदीसों से कि उनको जब वो वापस आएंगे वो उनको तब ही मौत होगी और उनकी शादी भी होगी वकालन बताया जा रहा है कि वो बात करेंगे लोगों से काहल उम्र में बड़ी उम्र में वमीना सालिन और वो सालिन में से होगा हजरत हजरत मरियम को जब खबर दी गई उन्होंने कहा रबी यकून मेरे औलाद कैसे होगी जबकि मुझे किसी बशर ने हाथ भी नहीं लगाया इमेजिन कीजिए तेरह चौदह साल की बच्ची है और उसको कहा जा रहा है लेकिन उसको ये मालूम है कि औलाद कैसे होती है औलाद का जरिया क्या होता है उन्होंने फौरन कहा कि मुझे किसी बशर ने हाथ नहीं लगाया है औला कदा लिखिल्लाशा उनको बताया गया अल्लाह ताला जैसे चाहता है वो पैदा करता है जब वो किसी इरादे किसी काम का इरादा करता है तो सिर्फ कहता है कुन और वो हो जाता है अल्लाह ताला उसको सिखा देगा उसकी अपनी किताब और हिकमत और तौरात और इंजील की बातें होगा बनी इसराइल की तरफ अन्य आगे से हजरत ईसा का जिक्र है कि वो क्या कह रहे हैं अपनी कौम को वो बताते हैं कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारे रब से निशानियां लेकर बेशक के मैं पैदा करता हूँ मट्टी से परिंदे की मानिंद एक चीज फिर उसमें अल्लाह के इजन से रू फूकता हूँ उसमें फूकता हूँ तो वो परिंदा बन जाता है यानी मैंने मट्टी से तो एक 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 ढांचा सा ही बनाया था एक पुतला बनाया था लेकिन अल्लाह के हुक्म से मैंने उसमें फूका तो वो बर्ड तय परिंदा बन गया व उबरीहुल अक महावल अब बेजन लाही बार बार अल्लाह ताला तो, सॉरी हजरत ईसा बता रहे हैं बार बार हर काम को अल्लाह की तरफ नस्बत करते हैं कि मैंने मट्टी से परिंदा बनाया था परिंदे की तरह एक चीज फूक मारी तो परिंदा बन गया अल्लाह के हुक्म से बना और मैं अच्छा भी करता हूँ मादर को अंधे को और बर जो बर्स वाले को उसको भी अच्छा कर देता हूँ अल्लाह के हुक्म से मैं जिंदा करता हूँ मुर्दों को जिंदा करता हूँ मुर्दों को अल्लाह ही के हुक्म से और मैं तुम्हें खबर देता हूँ उस चीज की जो तुम खाकर आते हो और जो तुम पीछे अपने घरों में जखीरा करते हो बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानी है और तुम ईमान कबूल करने वाले हो अगर तुम ईमान कबूल करने वाले हो तो मैं अल्लाह के खिजन से ये काम करता हूँ यानी मेरा इसमें कुछ खुद कोई पार्ट नहीं है अल्लाह ही है जो ये काम करता है वह लिमा बैना यदैया मिनत्ता

ऊँट का गोश्त कर लिया था तो मैं तुम्हारे लिए हलाल करने आया हूँ जो तुमने खुद अपने ऊपर हराम किया है और मैं लाया हूँ तुम्हारे पास निशानियाँ तुम्हारे रब की तरफ से तुम अल्लाह से डरते रहो और मेरी इताद करो बेशक के अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा भी है सो उसकी इबादत करो ये एक सीधा रास्ता है हज, आए थे उन्हीं किताबों की तस्दीक पिछली किताबों की तस्दीक करते हुए और अपनी शरीयत में थोड़े बहुत नए अहकाम लेके शरीयत का मतलब ही ये होता है कि नए अहकाम आए हैं और उस वक्त अब वही लागू होंगे पिछली शरीयत को मनसूख हो जाता है तो नई शरीयत जब आती है तो फिर आगे से इस, आ, उनकी सूली पे चढ़ने चड़, का वाक्य आ रहा है जो बकौल उनके यानी बकौल ईसाइयों के कि वो सूली पे चढ़ाए गए आ, फलमा अहस् ईसा मिनहल्फर जब ईसा ने उनकी तरफ से कुफर को महसूस किया तो वो कहने लगे कि कौन, यानी अपने हवारियों में से कुछ के अंदर कुफर को महसूस किया फिर वो कहने लगे कि कौन है जो मेरी मदद करेगा अल्लाह की तरफ से हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह की मदद हम अल्लाह की अल्लाह के लिए मददगार हैं हम आप पर ईमान लाए और आप गवाह हो जाएं कि हम फरमाबरदार हैं यानी साथी तो बहुत ज्यादा उनके थे टोटल साथी ज्यादा नहीं थे हजरत ईसा पे बहुत कम लोग ईमान लेकर आए थे उनमें से जो ईमान लाए थे उनमें से भी कुछ ने कुफर कर लिया था बाकी जो रह गए उनको हवारी कहा जाता है यानी उनकी मदद करने वाले उन्होंने उन हवारियों ने कहा ए हमारे रब हम आप पर ईमान लाए जो आपने नाजिल फरमाया और हम रसूल का इतबा करते हैं आप हमें उन लोगों के साथ लिख दीजिए जो तस्दीक करने वाले हैं उन लोगों ने मकर किया और अल्लाह ताला ने उनके लिए मकर किया और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है इसके बारे में भी हमारे पास आता है कि हजरत ईसा के लिए उन्हीं के लोगों ने मकर किया था और ये भी कहा जाता है आ, कि यहूदियों ने हज़रत ईसा के ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए थे झूठे मुकदमों में मुल्व कर दिया था और उसके बक, उसकी वजह से उनके यहाँ उन पे जो केस चला उसकी वजह से फिर उनके उनको सूली पे चढ़ाने का हुक्म आया था यहूदी वैसे तो बादशाहत नहीं करते थे लेकिन रूल उनका ही चलता था रूम थे उस वक्त जो सल्तनत के मालिक थे और वो बादशाह वो बादशाह उनके पास ही रूमियों के पास लेकिन वो जिस तरह कहते हैं ना आज भी अगर हम देखें तो दुनिया पर रूल कौन कर रहा है यहूदी लेकिन जाहिर में यहूदी नहीं है पीछे पीछे हैं इसी तरह उस वक्त भी यहूदी पीछे पीछे थे लेकिन सल्तनत किसकी थी रूमियों की थी और यहूदी उनसे काम करवाते थे तो उन्होंने ऐसा मुकदमे में उनको उलझाया था कि रूमी मजबूर हो गए थे उनको सूली पर चढ़ाने के लिए इसलिए वो उनको पकड़ने के लिए आए थे जो हम कह, सुनते हैं ना किताबों में पढ़ते हैं कि वो लोग आए थे उनको पकड़ने के लिए और फिर हमें अगेन हमारी हदीसें इससे क्वाइट हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था लेकिन उनकी किताबों में ये लिखा हुआ है कि एक आदमी की शक्ल जो उन्हीं के आदमियों में से था उसकी शक्ल को बदल दिया गया था और हजरत ईसा की बजाय उनको पकड़ लिया था तो उसके बारे में अल्लाह कहता है वह मकर मकरल व मकर, वो मकर उन्होंने भी तदबीरें की उन्होंने भी चाले चली अल्लाह ने भी चली और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है और जब अल्लाह ने कहा हजरत ईसा को कि मैं तुम्हें पूरा का पूरा उठाने वाला हूँ पूरा का पूरा वफा देने वाला कब्ज करने वाला हूँ और तुम्हें अपनी तरफ उठाने वाला हूँ और तुम्हें उन लोगों के पास उन उनसे पाक करने वाला हूँ जिन्होंने कुफर किया यानी अब तुम उनमें नहीं रहोगे और जिन लोगों ने तुम्हारा इतबा किया है उनको गालिब रखूंगा क्यामत के दिन तक उन लोगों पर जिन्होंने कुफर इख्तियार किया है फिर मेरी तरफ से तुम सबको लौट कर आना है फिर फैसले करूंगा तुम्हारे दरमियान उस चीज के बारे में जो तुम आ, आ, जो तुम करते रहे हो जो जिसमें तुम इख्तलाफ करते रहे हो तो अम्मा लदीना कफर जिन लोगों ने कुफर किया है मैं उनको अजाब दूंगा याद है कल हमने बात की थी कि जब अल्लाह अजाब बहुत सख्त नाराज होता है तो अल्लाह अपना वाहिद वाहि का सिक्का यूज करता है तो अल्लाह कह रहे हैं कफर कि मैं उनको सख्त अजाब दूंगा दुनिया और आखरत में उनके लिए भी कोई मददगार ना होगा लेकिन जो लोग ईमान लाते हैं नेक अमल करते हैं उनको अल्लाह पूरा अजब देगा अल्लाह ालिमों को दोस्त नहीं रखता है दालिका नथलू अलई का मिनल आयाति व जिक्र हकीम ये आयतें हैं और जिक्र हकीम है हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं ईसा की मिसाल तो अल्लाह के नजदीक वैसी ही है जैसे आदम की मिसाल है उसको तो फिर अल्लाह ने मट्टी से आ, उनको मट्टी से मट्टी से पैदा किया था और खला तो कि उसको मट्टी से पैदा किया था सुमा कौला लहू कन फयाकून फिर अल्लाह ने उसको कहा हो जाओ फिर वो हो गया यानी उसकी पैदाइश हो गई अल हकू मिन रब्बिका फलातकन मिनल मुमपरिन ये हक है आपके रब की तरफ से सो आप शक करने वालों में से ना हो जाएं आयत नंबर 61 इसको आयते मुबाहिला कहते हैं नजरान का वफ जिसकी हमने शुरू में बात की थी नजरान का वफ आया था और वो कुछ सवाल लेकर आए थे उस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब भी दिए थे लेकिन उन्होंने फिर भी बात ना मानी थी जब उनको मालूम भी था कि ये सच्चा है सब कुछ सही है मानते भी थे उसके बावजूद उन्होंने नबी वसल्लम की बात ना मानी। तो फिर नबी अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है तुम ले आओ अपने लोगों को भी मैं भी अपने अहलोल के साथ आता हूं और अब हम आ, मुबाहला करेंगे मुबाहला कहते हैं जब एक दूसरे पर लानत की जाती है

तो जो शख्स उनके बारे में आपसे झगड़ा करें इसके बाद कि आपके पास इम आ गया है तो आप फरमा दीजिए कि आ जाओ हम बुला लें अपने बेटों को तुम बुला लो अपने बेटों को हम बुला लें अपनी औरतों को तुम बुला लो अपनी औरतों को और हम हाजिर कर दें अपनी जानों को यानी हम खुद भी आ जाए और तुम भी हाजिर हो जाओ अपनी जानों को लेकर फिर हम सब मिलकर खूब सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करें और लानत भेजें झूठे पर तो अब उनके सामने जब सारा सामने जाहिर हो गया था अब वो नहीं मान रहे हैं तो लाजमी बात है कि वो झूठे हैं वो मुबाहले के लिए नहीं आए थे कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को हज़रत फातिमा को लेकर हसन हुसैन को लेकर मौजूद थे और खुले मैदान में आ गए थे कि आओ मुबाला करते हैं लेकिन वो लोग नहीं आए थे इन्ना हादा लहू अल कस बिलाशुबा ये सच्ची बात है और कोई मबूद नहीं है अल्लाह के सिवा अल्लाह जबरदस्त हमत वाला है फिर अगर वो रू गर्दानी करते हैं उसमें फिर वो अगर रूगरदानी करें तो उसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला फसाद करने वालों को खूब जानता है आप कह दीजिए कि आ जाओ अहल किताब ऐसी बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान में बराबर है हम ना इबादत करेंगे क्योंकि ये हर एक आ, दीन में एक ही बात है कि अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं है ओरिजिनल तो बुक्स हैं, उनमें सब में यही लिखा हुआ है लेकिन मानने को तैयार नहीं है क्योंकि रस्में ऐसी पड़ गई हैं बस चला आ रहा है बाप दादा से तो इसलिए हम हम यानी वो लोग करते रहे हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप उनको कहो कि अहले एह किताब एक बात के ऊपर तो आ जाओ छोड़ दो डिफरेंस हमारे दरम्यान जो है एक बात पे आ जाओ कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएंगे और अल्लाह को छोड़कर हम आप हम आपस में कोई किसी दूसरे को रब ना बनाए सो तो अगर वो रूब गर्दानी करें तो कह दो कि तुम गवाह रहो और कि हम फर्माबरदार हैं कि अब तुम बात जब हम कह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे की बात पर एक ही बात पर हम इकट्ठे जुड़ जाते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है तो इस बात पर भी वो राजी नहीं होते तो अब हमने तो कह दिया कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है तुम इस बात पर गवाह बन जाना या अहले किताब तो इब्राहिम के एले किताब एले किताब वाले हर कोई हजरत इब्राहिम का दम भरता है कि हम तो हजरत इब्राहिम की शरीयत पर हैं अल्लाह कहते हैं ए अहले किताब तुम क्यों हुज्जत करते हो इब्राहिम के बारे में हालांकि तौरात और उनजील तो उनके बाद उतारी गई थी क्या तुम अक्ल नहीं रखते हो जो त्योरात में लिखा है जो इंजील में लिखा है तुम्हारा ये दावा कि तुम दीने इब्राहिम पर हो तो ये तो गलत बात आ जाती है कि तौरात वाले कहते हैं कि हमारा ताल्लुक इब्राहिम से है और इंजील वाले कहते हैं हमारा ताल्लुक है हालांकि दोनों ही किताबें बाद में उतारी गई हैं तो क्या तुम्हें इस बात की समझ नहीं आती ऐ लोगों तुम ऐसे हो जिन्होंने इस चीज में झगड़ा किया जिसका तुम्हें इल्म नहीं है फिर तुम क्यों हजतबाजी करते हो इस बात में जिसका तुम्हें इलम नहीं है अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते हो ना तो इब्राहिम यहूदी थे ना नस्ानी थे लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हनीफ मुसलमान थे हनीफा यकसू मुसलमान एक तरफ इख्तियार अल्लाह को इख्तियार करने वाले फर्मा बरदार थे और मुशरकों में से नहीं थे बिलाशुबा इंसानों में इब्राहिम सबसे ज्यादा करीब थे सॉरी इन बिलाशुबा इंसानों में इब्राहिम के साथ ताल्लुक जिसका ताल्लुक है सबसे ज्यादा करीब वो वो है जिन्होंने उनकी इतबा की अगर हम इब्राहिम को देखें तो उन्होंने किसी को शरीक नहीं किया था वो तो नबी हैं और ये वो लोग हैं जो ईमान लाए अल्लाह सब का मोमिन और वली है इब्राहिम से झगड़ा करने में कोई जरूरत नहीं है इब्राहिम की शरीयत को देखो तो इब्राहिम ने किसी से शिरक नहीं किया था तो फिर वही काम करो जो इब्राहिम करते थे फिर तुम उसके ज़्यादा करीब होगे और ज्यादा हलदारे अहले किताब की एक जमात ने इस बात की ख्वाहिश की वो चाहते थे कि तुम्हें गुमराह कर दें, मगर वो गुमराह सिर्फ और सिर्फ अपनी जानों को कर रहे हैं और वो इसका शुरू नहीं रखते हैं या किताब तुम क्यों कुफर करते हो अल्लाह की आयतों का जबकि तुम खुद गवाह हो तुम इकरार कर चुके हो अहले किताब तुम हक और बातिल के साथ क्यों खलत मलत करते हो यानी छुपाते हो हक की बातों को छुपाते हो कुछ खोलते हो कुछ बयान करते हो और हक को छुपाते हो हालांकि तुम जानते हो आज हमारा भी ये ताल्लुक तो नहीं है ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ को छुपाते हैं कुछ को करते हैं कुछ पे रखते हैं कुछ पे ईमान रखते हैं कहीं हमारे पास इस्लाम हम ले आते हैं जब दिल करता है, इस्लाम को छोड़ देते हैं तो ये हमारे लिए इन बातों को कहला के ऐसा ना हो कि हम एक पिक्चराइज करने लग जाएं इन आयतों को पिक्चराइज भी करना है कि क्या हो रहा था उसके साथ साथ हमने अपने आप को वहां खड़ा करना है कि एक्चुअली में हमसे बात हो रही है ये कुरान हमेशा के लिए हर इंसान के लिए है इंडिविजुअली तौर पर तो हमारे लिए क्या इसमें हुक्म निकल रहा है ऐसा ना हो कि हम इन कहानियों में इतने खो जाए कि अपने आप को भूल जाए हमारे सामने बात हो रही है हम सुनने वाले हैं हमसे खिताब हो रहा है अगर अब अगर हम अमल नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला के इस बात में आ जाएं कि या अहले किताब लिमा तल बिसक् बिलबातिल व तख हक को तुम छुपाते हो क्यों छुपाते हो जबकि तुम्हें इस बात का इल्म भी है

इन्होंने साजिशें करनी शुरू करी कि सुबह में मुसलमान हो जाओ और कहो कि हम तो इनके घर इनके अंदर रह के देख लिया है हमें इनमें कोई अच्छी बात नजर नहीं आई इसलिए अब शाम को हम मुनकर हो गए हैं ताकि दूसरे लोग में शुबा पैदा हो जाए उसका जिक्र है कि एक कहा अहले किताब के एक गुरु ने के ईमान ला उस पर जो नाजिल किया यानी किताब पर ईमान ले दिन के हिस्से में शुरू में और मुनकर हो जाओ दिन के आखिर में इससे उम्मीद है कि ये लोग वापस अल्लाह ने उनका राजी फाश कर दिया वला इल्ला वाला तुम अल्ला और मत इकरार करना मगर ऐसा ऐसे शख्स के सामने जो तुम्हारे दीन का ताबे हो आप फरमा दीजिए कि बिलाशुबा हिदायत वही है जो अल्लाह की हिदायत है ये बातें तुम इसलिए करते हो कि दूसरे को ऐसी चीज मिल रही है जो तुम्हें दी गई थी यानी तुम्हारे पास इमामत थी तुम्हारे पास किताबें थी तुम्हारे पास नबी आते थे अब तुम्हें इसलिए तकलीफ हो रही है के दूसरों को दूसरों से मुराद हजरत इस्माइल की कौम इस्माइल की लिनेज में अब ये नबूवत मिल गई है तो तुम्हें अब इस बात की तकलीफ हो रही है वो तुम पर दलील सॉरी ये बातें तुम इसलिए करते हो कि किसी दूसरे को ऐसी चीज मिल रही है जो तुम्हें दी गई है इसलिए कि तुम पर दलील है दलील में गालिब हो जाएंगे तुम्हारे रब के पास के तुम्हारे खिलाफ वो अब दलील देंगे आप फरमा दीजिए बिलाशुबा फजल अल्लाह के हाथ में है वो उसे अता फरमाता है जिसे चाहता है और, और खूब जानने वाला है आयत नंबर सेवेंटी थ्री हमने पढ़ी है ना जी आयत नंबर सेवेंटी फोर यकत बहमती वो खास कर लेता है मखसूस फरमाता है अपनी रहमत को जिसको चाहता है अर बड़ा फजल वाला है तो उन लोगों को तकलीफ ही ये थी कि ये कहीं और नबोवत आ गई है किसी और लाइन में किसी और ख़ानदान में तो इसलिए वो उसको कबूल नहीं करते थे आप अल्लाह तहता है इनको बता दो हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है जिसको चाहता है देता है जिसको चाहता है मखसूस कर लेता है तुम उसके बारे में क्यों झगड़ते हो ये तो अल्लाह के हाथ में है और फिर लोगों में से या किताब में से बास ऐसे भी हैं उनके पास अगर बहुत इमानत रखवा दी जाए बहुत माल अमानत के तौर पर रखवा दिए तो वो तुम्हें दे, दे देंगे अदा कर देंगे और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि तब उनके पास तुम अगर एक दिनार भी रखोगे तो वो तुम्हें अदा नहीं करेंगे इल्ला ये कि तुम कॉन्स्टेंटली उनके सर पर खड़े होकर उनसे मांगते रहो ये इसलिए कि उन्होंने कहा कि अनपढ़ के बारे में हम पर कोई मुआवजा नहीं है हम पर कोई पूछगछ नहीं होगी अनपढ़ अनपढ़ किसको कहते हैं इनकी जबान में यहूदियों की जबान में वो जो के यहूदी नहीं है जो यहूदी नहीं है ये उनके यहाँ जो यहूदी नहीं है उनको वो उम्मी कहते थे तो उनकी जबान के हिसाब से कि वो ही लिखा हुआ है कि ये इसलिए कि उन्होंने कहा कि हमारे उम्मियों पर हमारी कोई राह नहीं है हमसे कोई पकड़ नहीं होगी इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि यहूदी जो नहीं है जो यहूदी वो सारे जानवरों से भी बदतर हैं ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है लाजमी बात है अल्लाह ने तो हर इंसान को अशरफुलमखात बनाया है और इसलिए इंसानों को जिस तरह चाहो ट्रीट करो इसलिए उनके यहाँ ये सब कुछ रिवाज है ना अब ये हम जो देखते हैं कि ये ऐसे ही है हमेशा से ऐसे चले आ रहा है क्योंकि वो कहते हैं कि कोई हमारी पकड़ दकड़ नहीं है कोई मुआजा नहीं है उम्मी पर उम्मी के लिए जो मर्जी उनके साथ बर्ताव करो वो अल्लाह पर अल्लाह कहता है अल्लाह अल्ला वो अल्लाह पर झूठ बोलते हैं हालांकि वो ये जानते हैं हाँ जिसने इस अहद को पूरा किया और तकवा किया तो अल्लाह ताला मुत्तकियों को दोष रखता है पीछे की आयत में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है उन यहूदियों का जो कि सीधे रास्ते पर थे कि अगर तुम उनके पास अमानत रखवा भी दो ढेर सारा मालवी रखवा दो वो तो तुम्हें वैसे का वैसा वापस कर देंगे लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एक दिरहम एक दिनार में भी खयानत कर जाते हैं तो अमानत का यहाँ क्यों जिक्र कर दिया कि कुछ यहूदी ऐसे हैं जो किताब में पढ़ते हैं उसको ऐसे बा, बने ही लोगों तक पहुँचाते हैं और फिर वो मुसलमान हो गए जब उनके सामने ये इस्लाम आया तो वो मुसलमान भी हो गए लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अमानत में खयानत करते हैं अमानत उनके पास ये किताब दी गई थी उसमें उन्होंने खयानत की और कुछ ऐसे हैं कि उनकी मिसाल उस ऐसे दी गई है कि एक दर हम दिनार भी दोगे तो उसमें खयानत कर देंगे और वो तुम्हें वापस नहीं करेंगे इल्ला ये कि तुम उनके सर पे खड़े होकर ठोंके मारो आयत नंबर 77 सेवन इन लदीना यशतरूना बी अहद वह बेशक के अल्लाह का अहद और अपनी कस्मों के मुकाबले में वो लोगों से हकीर मुआवजा लेते हैं और ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं ना ही अल्लाह ताला उनसे कलाम फरमाएगा ना क़्यामत में उनकी तरफ नजर करेगा और ना ही उनको पाक करेगा उनके लिए दर्दनाक अजाब है कितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने यहाँ तक बता दी कि अल्लाह के हुक्म जो नहीं मानेगा अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करता रहेगा उस पर अमल नहीं करेगा छोटी छोटी दुनिया की इज्जत के लिए दुनिया की चीज़ों के लिए अल्लाह के हुक्मों की हुक्म अदूली करेगा तो अल्लाह तला कहते हैं ना तो वो अल्लाह बात करेगा ना उनकी तरफ देखेगा ना उनको पाक करेगा और उसके अलावा दर्दनाक उसके लिए अजाब तैयार करके रखा है अल्लाह ने अल्लाह ताला हमें उन लोगों से बचा के रखे और इन नमला फ़रीक़न और उन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वो ना अलसना तुम बिल किताबी जो किताब में अपनी जबानों को तोड़ते मोड़ते यानी कहने का अंदाज इसमें दो तीन बातें हो सकती हैं बच समझाते इस तरह हैं कि दूसरे की समझ में कुछ और आए एक बोलते इस तरह हैं कि दूसरे की समझ में कुछ और आए दो और तीसरा अम्मत गलत मतलब निकाल लेते हैं खुद से ही गलत मतलब निकाल के बताते हैं सो ये सारी बातें इसमें इंक्लूड हैं, कि वो ऐसे जबानों को तोड़ते मोड़ते हैं किताब के अंदर ताकि तुम समझो कि वो किताब का हिस्सा है हालांकि वो किताब का हिस्सा नहीं होता और वो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से जबकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं है वो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं जबकि वो जानते हैं फिर अल्लाह ताला बताते हैं नबियों की खसूसियत बयान कर रहे हैं किसी बशर के लिए नहीं है किसी आदमी के लिए नहीं है कि अल्लाह उसे किताब और हमत की और नबोवत बख्शे और वो कहे लोगों को कि तुम मेरे बंदे बन जाओ यानी कोई भी जिसको इल्म सच्चा इल्म सीधी राह नजर आ जाए वो फिर लोगों से ये कहे कि नहीं मेरी इतवा करो या मेरी बात मानो मैं ही तुम्हारे लिए मेरे बंदे बन जाओ, बस मेरी बात मानो मेरी इबादत करो अल्लाह के अलावा लेकिन और हो जाए अम्म मेरे बंदे बन जाओ और ये कहे कि तुम अल्लाह वाले हो जाओ इस वजह से कि तुम किताब सिखाते हो इस वजह से कि तुम किताब पढ़ते हो अल्लाह ताला बता रहे हैं किसी बशर के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि उसे किताब हिकमत की और नबूवत की अल्लाह ताला ताला तो अल्लाह उसको नबूवत अता करे और वो लोगों से ये कह, कहता फिरे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ और ये कहे कि अल्लाह वाले हो जाओ इस वजह से कि तुम किताब सिखाते हो और पढ़ते पढ़ाते हो वाला या मुरुक नबी ना अरबाबा ना वो तुम्हें ये हुक्म देता है कि तुम फरिश्तों को और नबियों को रब बना लो वो तुमको कुफर का हुक्म देगा बाद इसके कि तुम मुसलमान हो जाओ ऐसा नहीं होता है किसी बशर के लिए ये जायज नहीं है वला तनसूरना। वला तनसूरना। जब अल्लाह ने नबियों से अहद लिया कि मैं जो कुछ भी तुमको किताब और हिकमत अता करूं फिर आ जाए तुम्हारे पास रसूल जो तस्दीक करने वाला हो उस चीज़ की जो तुम्हारे पास है तो तुम जरूर ईमान ले आना और ज़रूर जरूर उसकी मदद तुम करोगे यानी फरमाया इसमें कहा जाता है कि एक अहद तो हमसे लिया था जो हमने कल पढ़ा था कि हमसे अल्लाह ने अहद लिया फिर एक अहद नबियों से लिया था कि तुम ऑबियसली अल्लाह का पैगाम पहुंचाओगे लेकिन अगर इसके बाद तुम्हारी नबी नबोत के बाद तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज आए ऐसा रसूल आए जो तुम्हारी ही किताब की तस्दीक करने वाला हो तुम्हारी तस्दीक करने वाला हो तो फिर तुम उस पर ईमान ले आना यानी एक रसूल को दूसरे रसूल पर ईमान लाने की तरगीब दी जा रही है और ये अहद लिया था कि जरूर तुम उसकी मदद करोगे फरमाया क्या तुमने इकरार कर लिया और तुमने उस पर मेरा मजबूत अहद कबूल कर लिया उन्होंने कहा कि हाँ हमने इकरार कराया क, किया फरमाया तो तुम गवाह रहना और मैं तुम्हारे साथ गवाहों में से गवाह हूँ फमन तबल्लाबाद अदाली का फलाय का हमल फासेखून फिर जो शख्स उसके बाद रू गर्दानी करेगा तो यही लोग यही लोग फासिक हैं क्या तुम अल्लाह के दीन के अलावा कोई और दीन तलाश करते हो हालांकि वो सब उसके फर्मा हैं जो आसमानों में है और जमीन में है तुम देखते हो कि जो कुछ आसमान में है जमीन में है अल्लाह की अल्लाह की मैशत नहीं मशीयत, अल्लाह की मशीयत के थ्रू चल रहा है अल्लाह ने जो कहा जैसे कहा वैसे हर चीज हो रही है तो फिर तुम क्यों अल्लाह की अल्लाह की शरीयत के अलावा कोई और चीज ढूंढते हो यहाँ पे अल्लाह हर इंसान को एक आ, कहते ना आ, उठा रहा है जगा रहा है कि क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की शरीयत जो अल्लाह ने उतारी है उसमें अलावा तुम, तुम कुछ और से सोचते हो तुम देखते हो पूरी दुनिया में जमीनों आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह की मर्जी से ऊपर नीचे हो रहा है उस, चाहे तुम मजबूर हो चाहे कोई खुशी से कर रहा हो या ना कर रहा हो तुम्हे भी आगे अल्लाह ही के मर्जी के आगे गर्दन झुकानी चाहिए क्यों क्योंकि सब उसी की तरफ वापस होकर लौटेंगे अल्लाह नहीं देखता किसी को भी के आ, क्या उसका करना क्या अल्लाह यानी अल्लाह ने जो जिसको कह दिया है वो उसने करना है चाहे वो खुशी से करे चाहे वो ना खुशी से करे अपनी मर्जी उसमें कोई दाखिल नहीं अगर कोई करता है तो उसका अपना नुकसान है तुम कह दो आमन्ना बिल्लाजिला के नबी आप कह दें कि हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर और जो कुछ उसने नाजिल किया है उस पर जो नाजिल किया गया इब्राहिम इस्माइल और इसहाक़ और याकूब पर उनकी औलादों पर जो अता किया गया मूसा को और ईसा को और तमाम नबियों को उनके रब की तरफ से हम उनसे किसी के दरमियान तफरीक नहीं करते और हम आपके लिए ही फरमा बरदार हैं जो भी चाहेगा दीन इस्लाम के अलावा कुछ और तो अल्लाह कहता है उससे फिर वो कबूल नहीं होगा और वो आखिरत में खसारे वाले में से होगा यानी अल्लाह ने जो दीन पेश कर दिया है अब अगर हम चाहेंगे कि नहीं ये सही नहीं है और ये आज के सोसाइटी में फिट नहीं होता है तो अल्लाह ने साफ साफ बता दिया है फलाई यूकबलूमिन हूँ उससे वो हरगिज़ कबूल नहीं होगा ये नहीं कहा कि कबूल नहीं होगा हर गिज़ कबूल नहीं होगा हो ही नहीं सकता वह हुआ फिल आखिरत मिनल ख़ासरीन खसारा पाने वालों में से हो जाएगा क्यों अल्लाह हिदायत दे उस कौम को जिन्होंने अपनी ईमान के बाद कुफर अख्तियार किया हालांकि वो गवाही दे चुके थे बेशक अल्लाह बेशक के रसूल हक पर हैं उनके पास वाज दलील भी आ गए जालिमों को हिदायत नहीं देता उनकी जजा क्या है कि उन पर अल्लाह ने लानत की कर दी लोगों ने फरिश्तों ने ना लानत की और तमाम लानत करने वालों ने लानत की है उसी में वो हमेशा रहेंगे ना उनसे अजाब खत्म होगा हल्का भी नहीं होगा ना ही उनको उनकी तरफ मोहलत दी जाएगी मगर वो लोग जिन्होंने तोबा की इसके बाद और अपने आप को सुधारने की कोशिश की तो बेशक गफोर रहीम है बेशक के जो लोग जिन्होंने ईमान के बाद कुफर अख्तियार किया फिर कुफर में वो बढ़ते रहे हर गीज़ उनकी तोबा कबूल यानी ढिटाई से जो करते रहे एक काम किया फिर उसके बाद तोबा कर ली फिर दोबारा से वही कर लिया फिर तोबा कर ली अब कहता है बार बार अल्लाह तोबा कबूल करने वालों को सच्चाई होनी चाहिए दिल में ये ये कि मैं कर लूंगी और फिर तोबा कर लूंगी ये ढिटाई है अल्लाह के आगे कि अल्लाह ताला मुझे पता है ये गुनाह है मैं कर रही हूँ गुनाह है मैं माफी कल मांग लूंगी आज अब मजबूर हूं ये अल्लाह कहता है ये ढिटाई है फिर अल्लाह ताला तौबा कबूल नहीं करता और यही लोग ऐसे हैं जो गुमराह हो जाएंगे बेशक के वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया इस हाल में कि वो मर गए और वो काफिर थे तो उनसे किसी भी बकदर उनका कुछ भी चाहे वो जमीन भर के भी सोना दे दें उनसे फिदिया कबूल ना होगा और अगरचे वो अपनी जान ही क्यों ना बदले में देना चाहें यानी अपनी जान से मुराद अपने किसी साथी को अपने माँ को अपने बाप को ही क्यों ना वो फिदिया में दें उनसे ये कबूल नहीं होगा उनके लिए दर्दनाक अजाब है और उनके लिए कोई मदद ना होगी लंतनानल बिर्रा हताफिको ममा तो नेकी को तुम हरगिज़ ना पहुंच सकोगे नेकी हमने कल भी पढ़ी थी आखिर थी हमने पढ़ी थी ना बिर्रा वाली वो भी उसको आयत कहा जाता है यहाँ पे भी अल्लाह ने नेकी की हकीकत बता दी कि नेकी की हकीकत क्या है कैसे तुम नेकी को तुम बेशक ईमान ले आओ तुम बेशक इबादतें करते रहो अल्लाह की लेकिन तुम हरगिज लन तनालू लन में क्या मौजूद है हरगिज 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 बहुत जोर मौजूद है तुम हरगिज ना पहुंच सकोगे नेकी को यहां तक के तुम खर्च करो उसमें से जिसको तुम मोहब्बत रखते हो अब हम अपना मुआजा करें कैसी मोहब्बतें हैं हमारी कैसी नेकी जी उसको अल्लाह अल्ला की राह में दें हम चैरिटी के नाम पे क्या निकालते हैं हम सबको पता है उसको तो ये नहीं कहा जा रहा कि वो मत निकालें क्योंकि वो भी किसी की जरूरत के मुताबिक किसी को किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है मतलब ये नहीं है कि वो ना निकालें वो निकालें जरूर निकालें लेकिन उसको नेकी शुमार ना करें आज हम भर भर के जब कपड़े निकाल रहे होते हैं ना या घर की चीजें निकाल रहे होते हैं तो हम सोचते हैं हमने बड़ा काम कर लिया है लेकिन हम वो निकाल रहे होते हैं जो हमारी जरूरत नहीं होती है अल्लाह कह रहे हैं तुम हरगिज़ नेकी को ना पहुंचोगे यहाँ तक कि तुम खर्च करो उसमें से जो तुम मोहब्बत करते हो जब वही चीज खर्च करोगे तो अल्लाह ताला उसको जानने वाला है क्योंकि अल्लाह की राह में देने से तुम्हें ही फायदा होने वाला है और इन आयतों के बाद सहाबा ने अपनी कीमती कीमती चीजें दे दी थी और उन कीमती चीजों में हमारे पता है कि हमारा माल हमारी जान हमारी मोहब्बतें हमें बड़ी मोहब्बत आती है फजर के वक्त हम अपने बच्चे को नहीं उठाते कभी कभी होता है या कुरान जब से पढ़ना शुरू किया जब से वो मोहब्बत को फेंक दिया पीछे होता है ना दूर से कहीं से आए हैं थके हारे आए हैं स्कूल से आते हैं बच्चे सर्दियों में तो बहुत नजर आता है एक के बाद एक नमाज हो रही होती है और बच्चा चीख रहा होता है ये मोहब्बत भी है हमारी इसको भी पीछे डालना है हमने खर्च करना है अल्लाह की राह में सिर्फ पैसा ही नहीं होता है हमारा वक्त है मैं अभी तो बैठी हूँ सारे काम फारिग हो कि अब तुम सर पे आ गए हो सवार हो गए हो बाद में पूछना मेरे से जो भी पूछना है ये अल्लाह के लिए मोहब्बत है जो हमने खर्च करनी है माल हो चाहे अपना टाइम हो कुछ भी हो जो चीज हमारी इस्तात में है वो हमने खर्च करना है तुम हर गिज़ ना पहुंच सकोगे जब तक कि तुम अपनी अच्छी चीजों को जिससे तुम मोहब्बत करते हो उनको खर्च ना करो अल्लाह की राह में और टू बी ऑनेस्ट जब हम अच्छी चीजों को देते हैं तभी हमें एहसास भी होता है कि हमने दिया है अगर हम बेकार चीजें निकाल देते हैं तो वो एहसास नहीं जागता तो खाली हो गई बोझ हल्का हुआ है ऐसा वाला एहसास नहीं आता ऐसा वाला एहसास जब ही आएगा जब आप अपने परसेंट निकालेंगे। दो देते वैसे तो देते तो तो की जरूर जरूर बिल्कुल 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 दे सकता है बिल्कुल 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 जो सूट होते हैं वो हमारी जरूरत है ना हम जरूरत तो नहीं निकाल के किसी को देते लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब कोई आपके दरवाजे पर आता है मांगने वाला और आपसे अब यहाँ तो चलो दरवाजे पे अब आने लग गए वैसे टू बी ऑनेस्ट लेकिन हमारे दरवाजों पे तो आया करते थे लोग तो उनको हम अपना निकाल के दें कोई अच्छा सा वो ज्यादा बेहतर है बजाय के पुराना सा निकाल के दे दें लेकिन वो भी आप सही बात रही हैं कि पैसा भी जो दिया जाता है उससे भी तो हम खरीद के दे सकते हैं लेकिन पैसा दे दें तो उससे जिसकी जो जरूरत होती है वो पूरी हो जाती है कहने का मकसद किसी को डिग्रेड करना नहीं है है ना और समझ बस आपके पीछे इंटेंशन की बातें हैं कि समझ आनी चाहिए और जब हम अपना निकालते हैं और कुछ परसेंट जब हमने रखा हुआ होता है ना उससे वाकई हमें कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है उस पैसे की जो हमने रखा हुआ होता है लेकिन वो हमने पता है नहीं ये अल्लाह के लिए हमें इस वक्त इसकी ज़रूरत है हमने हाथ नहीं लगाना है नहीं लेना वो सही है वो कर सकता भी है, भी है। भी कभी कभी अगर ऐसा है तो हो भी सकता है वो भी हो सकता है ठीक है आयत नंबर नाइनटी थ्री कुल्लामी का नाइला हरमा इसराबले तौरात कुलफातुब तौराती इनकुमी हर खाना सारे खाने हलाल थे बनी इसराइल के लिए सवाई इसके लिए जो बन इसराइल ने अब यहाँ पे देखें यहाँ बनी इसराइल नहीं आया इलाम हर्रमा इसराइलू यानी हमने क्या पढ़ा था कल इसरा किसका लकब था जो हजरत याकूब ने अपने ऊपर हराम कर लिया था बस वही हराम यानी उसको भी उन्होंने हलाल अल्लाह तला ने कहा कि हलाल थे सवाए इसके कि जो इसराइल ने अपने पर हराम कर लिया था उनकी देखा देखी उनके आगे के लोगों ने भी उस पर हराम कर लिया था इससे पहले के तौरात नाजिल हो आप फरमा दीजिए कि तुम तौरात ले आओ पढ़ो उसमें अगर तुम सच्चो क्योंकि तौरात में नहीं लिखा हुआ ये हराम था उन्होंने खुद से देखा देखी ये हराम कर लिया था इसीलिए हमारे पास वो वाक्य भी मिलता है कि जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया था कि तुम अपने ऊपर शहद को हराम मत करना जी क्योंकि अगर तुमने कर लिया हराम तो फिर देखा देखी ऐसा ना हो कि लू इसीलिए जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ करना चाहा अपने तौर पर उनकी पकड़ वही हो गई कि तुम ना करना क्योंकि आ, हमारे वो भी आता है ना तरावी के भी आता है कि नबी नबीम तीन रातों के बाद नहीं निकले क्यों कहीं तो ऐसा ना हो कि ये फर्ज समझ रहे थे और फर्ज भी हो जाए जिसने घड़ा उसके बाद झूठ तो फिर अल्लाह ताला ना इंसाफ में तो फिर यही लोग जालिम है जिसने घड़ा अल्लाह पर झूठ इसके बाद यानी हक आने के बाद तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि यही लोग जालिम हैं सदक आप कह दो अल्लाह ने सच फरमाया अब इसके बाद कोई भी हमारे पास नहीं रह जाती हुज्जत अल्लाह कहते हैं फत बेऊ मिलना इब्राहिम हनीफा इब्राहिम जब, जब जब आया हनीफा साथ साथ आया कि इब्राहिम के साथ वो इब्राहिम जो यकसू थे सिर्फ अल्लाह के लिए थे फरमा दीजिए अल्लाह ने सच फरमाया तुम पर अब मिल्लत इब्राहिम का इतबा करना वाजिब है जो बातिल को छोड़कर हक को इख्तियार करने वाले हैं और मुश्किन में से नहीं है इन्ना बक्कता मुबारकन बेशक के पहला घर सबसे पहला घर जो लोगों के लिए मुकर किया गया वो मक्का है बरकत वाला है लोगों के लिए हिदायत है उसमें आयतें हैं खुली खुली निशानियां हैं मकाम इब्राहिम है जो उसमें दाखिल होगा अमन वाला होगा अल्लाह के लिए लोगों के जिम्मे है इस घर का हज करना लोगों के जिम्मे है कि अल्लाह के वास्ते उस घर का हज करें जिसे ताकत हो उस घर तक पहुंचने की और जो शख्स मुनकर हो सो तो अल्लाह बेनियाज है तमाम जहान वालों से अल्लाह को जरूरत नहीं है तुम हज करो ना करो अल्लाह को जरूरत नहीं है कि तुम जाके तवाफ करो और अपने अः सारी इस्तात जो तुम्हारी माल है वो खर्च करो अल्लाह तो बेनियाज है तुम जो करते हो अपने लिए करते हो अहले किताब तुम क्यों कुफर करते हो अल्लाह की आयतों का हालांकि अल्लाह को तुम तुम्हारे सब कामों के ऊपर वो गवाह है उसको पता है अल्लाह को मालूम है तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो तुम क्यों कुफर करते हो अहले किताब आप फरमा दीजिए इन किताब वालों से कि तुम क्यों थुम रोकते हो अल्लाह की राह से उस शख्स को जो ईमान लाए तुम उसमें क्यों कजी तलाश करते हो हालांकि तुम खुद गवाह हो अल्लाह इन कामों से गाफिल नहीं है जो तुम कर रहे हो ईमान वालों अगर तुम इताहत करोगे एक फरीक की मिना उतुल किताब उस फरीक की जो को किताब दी गई थी यार ईमानी कुम काफरीन तो ये तुम्हें कुफर की हालत में लौटा देंगे तुम्हारे ईमान के बाद तो यानी इनकी बातों को मत माना करो अगर तो तुम्हारे सामने कुछ मौजूद नहीं है अगर तुम्हें रसूल ने बताया नहीं है कैसे जिंदगी गुजारनी है फिर तो सोचने की बात है फिर तो इंसान पूछे किसी और से लेकिन जब शरीयत मिल गई है अब किसी और से पूछना या उनकी बातों को मानना ये तुम क्यों करते हो क्योंकि ऐसा करोगे तो तुम्हें वापस कुफर में लौटा देंगे कैफा वा तुम कैसे इनकार सक कर सकते हो जबकि तुम्हारे ऊपर पढ़ी जाती हैं तुम्हारे अंदर रसूल है। फिर जिसने भी को पकड़ लिया मजबूती के साथ तो उसे हिदायत दे दी गई सरात मुस्तकीम की तरफ यादीना थी एमान वालों अल्लाह का तखवा अख्तियार करो जैसे कि अल्लाह के, अल्ला के तकवा अल्लाह का अल्लाह का तकवा हक है वला तमूत उन्ना। और तुम ना मरना ना मौत आना जब तक तुम्हें मुसलमान की हालत में ना हो तुम हर मुसलमान की हालत में ही यानी मौत आना, इसके अलावा तुम ना मरना इसका क्या मतलब है ईमान ही की हालत में तुम्हें मौत आनी चाहिए तुम्हें इसके अलावा मौत ना आए <coughs> और उसका क्या मतलब होगा ईमान हमें कैसे पता ईमान की हालत में मौत आए कैसे पता चलेगा Come on. अमल से कल, हमारे ए, अमल से हमारे अमल exactly, अमल करते रहेंगे हमेशा हम अमल के ऊपर अल्लाह ही की बात के ऊपर और कोशिश करते रहें कि अल्लाह के और उसके रसूल की इतबा करते रहें तो हमारे पास फिर हमारी मौत भी वैसी ही आएगी हमारे काम हों के गाने बजाने वाले और हमें मौत मदीना में आ जाए ऐसे कैसे हो सकता है कलमा नसीब करे अल्लाह ताला हमें सबको हमारी ये दुआ होती है कलमा कैसे नसीब होगा वो कहते हैं ना कि तोता को पढ़ा भी दो कलमा वो पढ़ते भी हैं लेकिन जब उस पर बिल्ली झपटा मारेगी जब उसको मौत आती है तो उस वक्त वो फिर कलमा नहीं निकलेगा उसके मुंह से उसके मुंह से क्या निकलेगा टाए 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 वो जो वो करता रहा है ये मुंह से बोलना कुछ और है अमल ना करें ये कुछ और है हम कितने ही दावे कर लें दावा कबूल नहीं होता है जब तक के हम अमल नहीं करेंगे व तसीम भी हब्लिया वला तफर को साथ ही अल्लाह ताला कह रहे हैं वसीम तुम्हें बता दिया अल्लाह ताला ने कि मुसलमान की हालत में अगर मरना है तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ रखो सब के सब मिलकर इसमें बहुत सारी डिटेल है और तफर्रका मत डालो सब के सब मिलकर पकड़े क्या मतलब है इसका कि सब एक साथ होकर काम करें ये भी है और फिर सारे अहकाम को इकट्ठे पकड़ कर चलो ऐसा ना करो कि एक को पकड़ लो एक को ना पकड़ो सब कामों को वाता से मुहबीलाखो इख्तलाफात होते रहते हैं मुखालफत नहीं करनी है आलू गोश्त मैंने बनाना है मेरा अपना तरीका आपका अपना तरीका ठीक है खा लो भाई बैठ के दोनों मिलकर बैठ के खा लो दोनों जायज हैं वही भी आलू गोश्त बनेगा वो भी आलू गोश्त बनेगा लेकिन नहीं क्योंकि तुमने कहा इस तरीके से आलू गोश्त मैंने बनाना है अब मैं नहीं बनाऊंगी मैं तो उस तरह बनाऊंगी जैसे मेरा दिल चाहता है ये है एक मुखालफत है ना इख्तिलाफ हो जाते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ईद हम कर रहे हैं एक दिन कर रहे हैं दूसरे लोग दूसरे दिन कोई बात नहीं लेट इट बी तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहें उनके पास भी दलील मौजूद है हमारे पास भी दलील मौजूद है ठीक है दोनों तरह से कर सको लेकिन मुखालफत नहीं करनी है ये ना कहना ओ क्योंकि मेरी नेबर कर रही है मुझे मैं, मुझे वो अच्छी नहीं लगती है मैं इसके मुखालफत में आज ईद दूसरे दिन करूंगी और ये जाहिर करूंगी कि मेरा दिन ज्यादा हक है ये गलत है ठीक है ना वहाँ तस्म हबल्ला जमिया तमाम सब के सब मजबूती से पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर पकड़ो और तफरकाना आपस में फूट ना डालो और याद करो अल्लाह की नियमतों पर नियमतों को जो तुम पर अल्लाह ने की थी क्या नेमत थी नीकुन तुम आदा जब तुम सब के सब दुश्मन थे तो अल्लाह ने उल्फत डाल दी तुम्हारे दिलों में याद करो करोस और खजरज को कि वो कितनी लड़ाइयाँ कितने कितने सालों से उनकी लड़ाइयां चल रही थी इस्लाम आया अल्लाह ने सब के दिल जोड़ दिए बैना भी तुम तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी तुम सब अल्लाह की नेमत से भाई भाई बन गए तुम तो आग के गढ़े के किनारे पर थे अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया इसी तरह अल्लाह वाजे करता है तुम्हारे लिए अपनी आयतों को ताकि तुम हिदायत याफ्ता बन जाओ वल तकुम मिनकुम उम्मतन यदऊना इलल खैर तुम्हारे अंदर होना चाहिए ये जो लाम शुरू में आ रहा है ना वल इसका मतलब है जरूर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि तुम्हारे अंदर चाहिए कि तुम्हारे अंदर एक उम्मत एक कौम एक जमात ऐसी हो जो बुलाए लोगों को खैर की तरफ और हुक्म दे अच्छे कामों का वह यन और रोके अनिल मुनकर मुनकर से वह उलाई का हुमुल मुफलीहून और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं बेहतरीन खूबसूरत आयत है बहुत खूबसूरत आयत है अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम में ऐसी जमात होनी चाहिए सबका काम नहीं है सबका काम नहीं है कि उठो और दावत देने लग जाओ लेकिन एक जमात जरूर होनी चाहिए अब आपको पता है कि आप में कैपेसिटी है या नहीं है जब तक आप पढ़ेंगे नहीं जब तक आप दावत देंगे नहीं जब तक आप बोलेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी कैपेसिटी है आप में इसके लिए जरूरी है हर शख्स उठे और अल्लाह का काम यानी अल्लाह की किताब को पकड़े समझे और आगे फैलाए ये तो इन इस किताब का हक है लेकिन एक ऐसी जमात जो दूसरों को भी गैर मुस्लिम को भी मुसलमानों को भी दावत देती रहे ये वो जमात है जो सबसे बेहतरीन है तुम में ऐसी जमात होनी चाहिए जो खैर की तरफ बुलाए नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके अल्लाह ताला हमें उस जमात में शामिल कर ले वह उलाई का हुमि हून और वही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं मुफली का मतलब क्या है फलाह पाने वाले अल्लाह से कुछ और याद आता है

हम्म बिल्कुल कामयाबी मिलती है उसका नाम फल्ला है कि वो एक किसान जो अपनी खेती में जान माल सब कुछ लगा देता है और फिर उसकी खेती निकलती है फिर वो मुकम्मल होती है और वो खुशी से लहलाती देखता है उसको है ना ये फल्ला है ऐसे ही इंसान जो ये काम करेगा खैर की तरफ बुलाएगा नेकी की तरफ बुलाएगा बुराई से रोकेगा तो ये भी अः मुफले में से हो जाएगा काम हमने पूरा पूरा कैसे कैसे किसान अपनी खेती से जरा सी भी कोई आ, वो कह सकता है बरत सकता है इसको क्या कहते हैं अः गफलत गफलत बरत सकता है नहीं हो सकता अगर वो करेगा उसको पता है पूरे साल की तबाही बर्बादी हो जाएगी रातों को उठ के उसने पानी देना होता है फिर उसकी हिफाजत करनी होती है जानवरों से परिंदों से छोटी-छोटी चीजों से कितने स्प्रेज वो करता है कितना कुछ करता है फल्ला यही काम एक जमात का होना चाहिए वला तकनु कलना तफर रखू वक़्त लफुबादी मा जाबय व अज़ाबुन अज़ीम और तुम मत हो जाना उन लोगों की तरह उन लोगों की तरह जो आपस में मुतफरक हो गए तफरक में पड़ गए उसके बाद के जबकि उनके पास वाज अहकाम आ गए और उन्होंने आपस में इख्तलाफ कर लिया ये लोग हैं जिनके लिए बड़ा अजाब है अगर ऐसा होगा कि जिन्होंने जिन्होंने तफरक़ा करा और अख्तलाफात किए इसलिए कि जबकि उनके पास आ भी चुके थे वाज निशानियां उसके बावजूद तो उनके लिए दर्दनाक अजाब है जिस दिन कुछ चेहरे सफेद होंगे कुछ चेहरे से होंगे जिन लोगों के चेहरे होंगे, उनसे कहा जाएगा तुमने कुफर इख्तियार ईमान के बाद तो अब चखो इसका मजा जिसका तुम कुफर करते थे, लेकिन कुछ चेहरे सफेद होंगे तो वो अल्लाह की रहमत में होंगे और वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे अम्म तिल्का आयात अतलूह अली का बिलहक ये अल्लाह की आयतें हैं हम आप पर इनकी तलावत करते हैं हक के साथ और अल्लाह जहान के साथ का इरादा नहीं करता अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों और जमीनों में है और हर काम का उसकी तरफ पलटना है और इन लीव इट अपना खत्म करते हैं एंड आई एम सो सॉरी अबाउट लास्ट टू डेज आई डिट रियलाइज के हमारा टाइम जो था वो खत्म होना था साढ़े बारह बजे मुझे पता नहीं क्यों ध्यान था कि एक बजे खत्म करना है तो गलती से मैं एक बजे खत्म कर रही थी इंशाल्लाह अब आइंदा से साढ़े बारा बजे ही खत्म होगा उसके लिए माजरत है वो आखिर उदावाना अनील हम्दुलिल्लाही रब्बल अलामीन सुबहाना रब्बील सुबहाना रब्बील्लाहुल्वाहब सुबहाना रब्बील अज़ीम सुबहाना रब्बील अज़ीम सुबहाना रब्बील अज़ीम اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك امين يا رب العالمين يا الله يا مالك يا رحمن يا رحيم तमाम इज्जतों वाला तो ही है इज्जतों का मालिक तू है तो जानने और सुनने वाला है हमारा पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमाना इसके साथ इस अमन के साथ हमारा रमजान में दाखिला फरमाना या खुदाम करीम कल से इनशा रमजान शुरू है या अल्लाह हमारा दाखिला उसमें नसीब फरमाना और उसमें हमारी मकफरत फरमाना कुरान में जो पढ़ा और समझा उसको हमारी शफात का जरिया बना देना हमारी गलतियों से दरगुजर करना या अल्ला निन खैरी माँ साल का मिनहु नबीयु मोहम्मद अल्लाह हम तेरे से हर खैर मांगते हैं जो तेरे नबी अलैहि वसल्लम ने मांगा है हम उस खैर को मांगते हैं व नाऊबी का मिन शर्री मस्ता का मिनहू नबी अलैहि वसल्लम और हम पनाह में आते हैं हर उस शर से जिस शर से नबी वसल्लम ने शर्म पनाह मांगी है या अल्लाह तो हमारे इस आने जाने को कबूल फरमा रहे हर चीज को कबूल फरमा रहे हमारे लिए हमारे वाले के लिए और हमारे उस को हमारे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को या अल्लाह तो हमें माफ़ करना और हमें आखिरत में रस्वाना करना आमीन या रबीन अलैक् वरहमत ला वरकू